जय जिनेंद्र। हेलो जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, एक मिनट। जय जिनेंद्र, चलिए मुग्धा जी जिनवाणी विराजमान। चार्वाकलय षट्द्रव्य गुण पर्याय पूर प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का परु कर्म के अवसान का कहाँ कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी आपको वंदना शत बार है वंदना शत बार। मंगलाचरण किरण जी भाई साहब। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य केवल नाणु जोय चद्दव मणिजी जयं पवाई नमिउन जिनम बणिमो
दवणि ओगम गणीय सारम दवणि ओगम गणीय सारम। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर भूतबली और पुष्पदंत आचार्य ने शखंडागम ग्रंथ की रचना की। इसके प्रथम पांच खंडों पर आचार्य वीरसेन ने टीका लिखी जो धवला की 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है। हमारे तीसरी पुस्तक जिसमें द्रव्य प्रमाणानुगम का वर्णन है उसका स्वाध्याय चल रहा है और अभी हमारे यहाँ पर गति मार्गणा का वर्णन चल रहा है। गति मार्गणा में भी हमारे सूत्र नंबर कौन सा 35 है और प्रश्न संख्या हम 235 पर आ चुके हैं। तिरंचों की जब बात करते थे यहाँ तिरंचों में जीवों की संख्या बतानी है तो तिरंचों के पांच प्रकार के भेद करते हैं। सामान्य तिरंच, पंचेंद्रिय तिरंच, पंचेंद्रिय पर्याप, तिरंच योनिनी और लब्धा पर्याप। जब सामान्य तिरंच की बात की या पंचेंद्रिय तिरंच की बात की कि सामान्य तिरंच में तो जीव राशि अनंत हो जाती है क्योंकि उसके अंदर निगोद भी आ जाता है इसलिए अनंत हो जाती है। बात चलती है सामान्य तिरंच में, पंचेंद्रिय तिरंच की जब बात आती है तो उन्होंने बताया था कि जो देवों का जो अवार काल है जो पनट्टी प्रमाण पुत्रांगुल है उसको आवली के असंख्यात भाग से वर्ग करके भाग देना, ये बात उन्होंने बताई थी और यही बात पंचेंद्रिय पर्याप्ति में भी आ गई थी, पंचेंद्रिय सामान्य में भी बात आई थी। उसके आगे अभी हमारी जो सूत्र नंबर 35 में चल रही बात चल रही, किसकी चल रही है ममता जी? पंचेंद्रिय योनिनी की, बोले योनिनी तिरंची की चल रही, तिरंच योनिनी की बात चल रही है। तिरंच योनिनी का जो अवार काल है वह वहां पर तो हम आवली का संख्यात भाग से भागार कर रहे थे लेकिन यहाँ पर क्या बोला संख्यात से गुणाकार हो गया। क्या हो गया? ये संख्यात के गुणाकार में इसको ले लिया। बात भी बताई तो अवार काल कितना आ रहा है कि संख्यात प्रतरांगुल आ रहा है। कितना आ रहा है? संख्यात प्रतरांगुल आ रहा है। ये बात तो सबको आ रही है संख्यात, क्यों? जो बड़ी संख्या थी सबको गणित किया था। कैसे किया था मुक्ता जी? उन्होंने कहा था 600 योजन के वर्ग को भाग देना। किसको भाग देना? याद है 600 योजन के वर्ग। अपन गणित के अंकों में नहीं जाएंगे, अपन सामान्य समझेंगे तो गणित के अंक बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। अपन को यही देखना है कि 600 योजन के वर्ग को भाग देना था तो आचार्य ने उनको उसको अंगुल में कन्वर्ट किया और प्रतरांगुल कितने कह दिए? बहुत बड़ी संख्या। तो बोला संख्यात प्रतरांगुल अवार काल, इतनी बता दिया संख्यात प्रतरांगुल अवार काल है। अंगुल क्या? अंगुल में अंगुल का गुणा किया तो उसको बोल गया प्रतरांगुल। अंगुल में अंगुल का गुणा किया तो प्रतरांगुल हो गया। और कितने प्रतरांगुल? के संख्यात प्रतरांगुल। अब संख्या जो बहुत बड़ी संख्या, ये संख्या जो है वास्तव में करोड़ों में गुणा किया लेकिन कहेंगे उसको संख्यात प्रतरांगुल कहा। इसके बताने के बाद में वीरसेन आचार्य ने कहा कि यद्यपि आचार्य परंपरा से तो ये उपदेश प्राप्त होता है कि 600 योजन का वर्ग कर जो है वो अवार काल हो जाता है, मतलब देवों के अवार काल में 600 योजन से जो भाग देंगे ना उसको, इसको जगत पत्र को 600 योजन से भाग देंगे तो वो पंचेंद्रिय तिरंच योनिनी मति बोले तिरंच योनिनी का अवार काल आ जाता है। ऐसी बात आचार्य परंपरा से उपदेश के अनुसार चली आ रही है लेकिन वीरसेन आचार्य ने कहा कि आपने पहले देवों का जो अवार काल बताया था 300 योजन का, जो वाण वंतर देवों का जो बताया था जिसका व्यंतर जातीय देवों का जगत पत्र का 300 योजन का वर्ग बताया और तिरंच योनिनी का अवार काल बताया 600 योजन का वर्ग बताया। अपन सिर्फ समझ रहे हैं कि क्या बताया है और क्या नहीं बताया, बस इतना ही समझ रहे हैं। दो बात बताई गई है, क्या बताई ममता जी मुक्ता जी? क्या बताई? दो बात बताई गई। क्या बात बताई गई है? बात एक बताई है कि जो व्यंतर जाति के देव होते हैं भुवनवासी व्यंतर ज्योतिषी वैमानिक चार प्रकार के देव होते हैं तो जो व्यंतर देवों का अवार काल कितना है कि जगत पत्र को 300 योजन के वर्ग से भाग देना, ये बात आचार परंपरा के उद्देश्य से आती है। तिरंच योनिनी का कितना अवार काल बताया जा रहा है? जगत पत्र को 600 योजन के वर्ग से भाग देना। वीरसेन आचार्य ने कहा कि ये बात हमको जो है कुछ मतलब जो है सही नहीं प्रतीत होती है और उसका कारण आधार क्या लिया? उन्होंने कहा कि खुदा बंद में आगे कहने वाले हैं कि जितने तिरंच योनिनी है उससे संख्यात गुणे कौन है? व्यंतर देव है और जितने व्यंतर देव होते हैं उससे 32 गुणा जो है देवांग व्यंतरों की देवांगना होती है क्योंकि एक देव की 32 देवियां होती है।
तो इसको माने तो आचार्य ने क्या कहा कि यहाँ 600 योजन का वर्ग है तो 36 हुआ, और उनका मंत्र देवों का 300 का वर्ग है तो 9 की कोई संख्या आएगी, तो दोनों संख्या में 4 का गुणा आता, 32 का गुणा नहीं आता, कितना आना चाहिए, जबकि 32 से भी अधिक गुणाकार होना चाहिए। ये कहकर आचार्य विरसेन ने इतनी बताया कि क्या गुणाकार होना चाहिए, उन्होंने कहा कि जैसा भगवान ने देखा है ज्ञान में, लेकिन वो सही गुणाकार होना चाहिए, या तो दोनों का अलग होना चाहिए, या जो तिरंज योनिनी का अलग होना चाहिए, या व्यंतरों का अलग होना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपना अपने गणित के आधार से अपने मान्य मत को प्रस्तुत किया और कहा कि भाई मैं इसको कह नहीं सकता है, तो केवल ज्ञान की गम्य की बात है, वही जाने आचार्य परंपरा जाने। अब सब अंकों को छोड़कर ने कहा चलो कुछ भी हो, अवार काल कितना है कि संख्यात प्रतरांगुल है, और हमें पता है कि आचार्य वीरसेन ये धवला पुस्तक 3 में क्या बात करते हैं, मधु जी को याद हो गया, 3 बातें करते हैं। पहली बात क्या करते हैं कि 14 गुण स्थान और 14 मार्गणा स्थानों में जीवों का द्रव्य प्रमाण बताते हैं। उसका आधार क्या है ममता जी? उसका आधार है हमारे भूतबली आचार्य के सूत्रों का। आप थे ना मुग्धा जी, है ना, तो 3 बातें अपन ने देखी थी मुग्धा जी। पहले तो देखा था कि द्रव्य जो सूत्र लिखे किसने लिखे, भूतबली आचार्य लिखे, उनसे जो सूत्र के बताए कौन कितनी राशि है उसका उन्होंने ज्ञान कराया। दूसरा क्या कराया था किरण जी भाई साहब कि अभी जो असंख्यात और अनंत राशि है ये हमारे ज्ञान का तो विषय है नहीं है, केवल ज्ञान और ये तो केवल ज्ञान गम्य है, और अगर असंख्यात भी ले ज्ञानी और अधिज्ञानी का विषय है। तो इस संख्या का भाव भाषण कराने के लिए आचार्य ने खंडित भाजित विरलित गणित की प्रक्रिया के द्वारा, अपन सामान्य कहे गणित की प्रक्रिया के द्वारा उसका भाव भाषण कराया। और तीसरा पॉइंट क्या बताया था आशा भाई, उन्होंने बताया था कि उस विषय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए भागा विषय को स्पष्ट किया। अब हमारे तिरंची ओरिणी में कौन सी राशि चल रही, संख्यात प्रतरांगुल अवार काल चल रहा है, क्या चल रहा है, संख्यात प्रतरांगुल अवार काल। तो इसका आचार्य भाव भाषण कैसे कराएंगे, खंडित भाजित विरलित प्रमाण वगैरह से कराएंगे, हमने देखा भी था, और हमारे चल रहे थे विकल्प चल रहे थे, और विकल्प कितने प्रकार के होते हैं मधु जी? 2 प्रकार के होते हैं, अधस्तन विकल्प और उपरेतन विकल्प। हमने अधस्तन विकल्प देखे, तरीका सबका वही है। अब यहाँ पर जो गणित चलेगी आगे वो अंग गणित तो कहीं आने वाले नहीं है, पूरी मार्गणा को पुस्तक अगर आप देखेंगे तो अंग गणित केवल एक ही जगह आएगी, वो आएगी जम्बू द्वीप की परिधि निकालने के लिए, वो भी कुछ बात करने के लिए। जैसे यहाँ पर कहा ना उन्होंने कि हमको संख्या सही नहीं प्रतीत होती है, तो आगे एक बार और बताने वाले हैं कि सूत्र में उन्हें कुछ वीरसेन आचार्य को उसको सिद्ध करने के लिए जम्बू द्वीप की गणित बताएंगे, मध्य लोक के लिए संबंधित गणित को निकालेंगे। बाकी कहीं पर भी अब अंक गणित नहीं है, सब जगह कौन सी है, सिर्फ सामान्य पढ़ना ही पढ़ना है, और हमको उसका भाव भाषण करते जाना है। देखो हमारे अशोका जी बहुत प्रसन्न हो गए, सही बात है सर, पूरे 200-250 पेज अपने को पढ़ने द्रव प्रमाण उनका आशावन, अब अंक गणित नहीं है, पढ़ना ही पढ़ना है, एक जगह गणित आएगी, वो गणित का संबंध नहीं है, उसका गणित क्या, जम्बू द्वीप का क्षेत्रफल निकाला, परिधि निकाली, मध्य लोग जो 45 लाख योजन कितना बड़ा है, अपन जैसे बोलते ना कि एक लवण समुद्र में 24 जम्बू द्वीप आ जाते हैं, अपन लवण समुद्र कितना बड़ा है कि एक जम्बू द्वीप बनाओ तो लवण समुद्र में 24 जम्बू द्वीप बन जाए, गणित का विषय। ऐसे करके कुछ आगे समझाने वाले हैं वो तो अपन समझ लेंगे, वो समझाएंगे भी क्यों आएंगे गणित का विषय, कि कुछ बात उनको जो है अलग लगती है उसको बताने के लिए क्यों अलग है। आपको पता है अपने धवला पुस्तक में कौन कौन सी बातें अलग बताई? सबसे पहली बात तो उन्होंने बताई थी कि ये जो मध्य लोक है इसमें स्वयंभू रमण समुद्र के केवल कोनों में नहीं, उसके आगे भी कई ज्यादा योजन तक भूमि है, ये सबसे बड़ी पहली बात उन्होंने अपने धवला पुस्तक 3 में पढ़ी थी। बोले जी कई बात बताई थी उन्होंने, संख्या की बात बताई, यहाँ पर भी आज बताया कि जो वानवंतर और तिरंज योनिनी का जो अवार काल बताते हैं उसमें आचार्य 2 में से कोई ना कोई एक जो है सही नहीं प्रतीत होता है, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन आचार्य वीरसेन ये कहते हो कि कौन सा गलत है, क्या कहते, तो कहते मेरी जिबानी बंद हो जाती क्योंकि मैं तो कहां जानू, केवल ज्ञान का उगम में है। तो अशोका जी फिर हम कैसे कहें, हम तो सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, हमको तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो बड़े आनंद से हम लोग उसका स्वाध्याय भी कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा, मतलब जो है अपना स्वाध्याय चल रहा है। देखो संजय जी शाह है, इस्मिता जैन है, सभी लोग हैं, मतलब प्रवीणा जी भी हैं,
बहुत अच्छा लग रहा है। तो बात कौन सी चल रही है अशोका जी? तिरंज योनि की चल रही है। कितना अवार काल अशोभन? आप तो रेगुलर अटेंड करते, बताइए कितना अवार काल? इनका 600 योजन वर्ग से भाग देना, बस चल रहा है। बहुत अच्छा, मतलब अपने को संख्या याद करनी है, वो तीन बताई थी मैंने, ज्योतिष देवों का वर्ग का यानी कहो पंडित प्रमाण प्रथांगुल, व्यंतर जाति के देवों का 300 योजन का वर्ग, और ये जो तिरंज योनि का 600 योजन का वर्ग है। अब योजन के जब अंगुल करते हैं ना, तो 7,68,000 तो एक अंगुल हो जाते हैं, इतना बड़ा बड़ा गुणा कर, बहुत बड़ी अंगणित आ रही थी। तो आचार्य ने हमारे लिए क्या किया, हैप्पी न्यूज दे दी कि संख्यात रुद्रांगुल है, संख्यात में करोड़ हो अरबों हो संख्या है, तो उन्होंने क्या कहते हैं, संख्यात रुद्रांगुल अवार काल। और उस पर उन्होंने भाव भाषण कराने के लिए हमको विकल्प बता रहे थे, जो हम चल रहे थे, दो प्रकार के विकल्प होते हैं, अदृश्य विकल्प और उपरेतन विकल्प। जब हमें यहाँ पर संख्यात रुद्रांगुल है तो हमारा उत्तर क्या आना चाहिए कस्तूर जी? संख्यात रुद्रांगुल उत्तर आना चाहिए। संख्या हर उत्तर के जैसे अपन ने सासादान में लगाया था, तो सासादान गुणिस्तान की जीव राशि कितनी थी? 2048। तो हर जगह 2048 उत्तर आता था। जब हम मिथ्या दृष्टि जीव के ऊपर लगा रहे थे, गणित लगा रहे थे, तो उत्तर हर जगह 13 होता था। एक बात तो कुछ भी कहो अशोका जी, गणित है बहुत अच्छी, हर एक प्रश्न का उत्तर तो पहले ही दे देते, हमको पता है प्रश्न अलग अलग है। हमारे लौकिक जीवन में जो परीक्षा होती है, हर प्रश्न अलग अलग होते हैं और उत्तर अलग अलग होते हैं। यहाँ पर कितना अच्छा है ममता जी, हर प्रश्न का उत्तर हमें पता है कि 13 ही आने वाला है, कुछ भी करो प्रश्न अलग अलग। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या आएगा तिरंज योनि में? संख्यात रुद्रांगुल आएगा। रुद्रांगुल आप समझते हैं, अंगुल में अंगुल का गुणा, जगत श्रेणी में जगत श्रेणी का गुणा करें तो जगत प्रदर होता है। यहाँ पर किसकी बात चल रही है? अंगुल में अंगुल का गुणा करें। अच्छा, पल्ले में पल्ले का गुणा करें तो क्या आएगा? प्रतर पल्ले आएगा। अंगुल में अंगुल का गुणा करेंगे तो प्रतरांगुल, पल्ले में पल्ले का गुणा करेंगे तो प्रतर पल्ल्य, जगत श्रेणी में जगत श्रेणी का गुणा करेंगे तो जगत प्रतर। समझ गए ना, गुणाकार रूप में आती है तो प्रतरांगुल है। संख्या प्रतरांगुल 10 प्रतरांगुल, 20 प्रतरांगुल, 100 प्रतरांगुल, कोई भी संख्या कुछ भी हो सकती है, उसकी बात को हमको लेना, संख्यात प्रतरांगुल की हमको बात यहाँ पर लेनी है। अब इसके विकल्प लगाएंगे तो उत्तर कितना आना चाहिए? संख्यात प्रतरांगुल आना चाहिए। और हमारा जो राशि पर जब जगह बैठते, जैसे वहां पर अपन सासादान लगाए थे, पल्ले पल्ल्य पल्ल्य को लेकर चलते थे, यहाँ पर किसको लेना पड़ेगा अपने को? प्रतरांगुल क्या लेना पड़ेगा? प्रतरांगुल चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा 300 योजन के वर्ग को डिवाइड किया था, मैंने क्या कहता था, 300 योजन के वर्ग को डिवाइड किया, उसको चूंकि उसका संख्या तो भाग था, संख्या प्रतरांगुल थे, तो आपको प्रतरांगुल पर से चलेंगे, प्रतरांगुल पर कहां पर चलेंगे? प्रतरांगुल पर अपन ने रखा, और हमको निकालना संख्या प्रतरांगुल। तो प्रतरांगुल का पहला स्थान क्या होगा? अंगुल होगा, अंगुल, अंगुल में अंगुल का गुणा करेंगे तो प्रतरांगुल हो जाएगा। तो प्रतरांगुल से अधः स्थान में क्या है? अंगुल है, जिसको कहेंगे प्रतरांगुल का प्रथम वर्गमूल कहो या अंगुल कहो या सुचुंगल कहो, एक ही है। हमें लाने संख्यात प्रतरांगुल, और हम अगर अधः स्थान पर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सुचुंगल मिलेगा, और हमें लाना क्या है? सुचुंगल गुणा सुचुंगल, वो भी असंख्यात सुचुंगल गुणा सुचुंगल लाने, तो कैसे आएगा हमारे पास में जीव? हम किसी भी संख्या से भाग दें तो वो तो अंगुल और छोटा होता जाएगा, और हमें तो बड़ी संख्या चाहिए, तो भैया अंगुल को किसी भी संख्या से भाग देने पर हमें संख्यात प्रतरांगुल की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए आचार्य क्या कहेंगे कि अधस्तन विकल्प नहीं है। ये बात समझ में आती नहीं आती है? एक बताओ कैसे देखो समझने के लिए, प्रतरांगुल 65,536 है और हमें कितने लाने है? संख्यात प्रतरांगुल तीन पनेटी लाना, कितना? तीन पनेटी लाना। अब हम नीचे के स्थान में जाएंगे तो पहला स्थान क्या? 256 है। हम 256 को भाग देंगे तो 256 से कम आएंगे कि पनेटी से बड़ी संख्या आएगी? हमें लानी पनेटी से बड़ी संख्या लानी, कम लाएगी, कम आएगी। तो इसी को क्या बोलते हैं प्रवीणा जी, कि कोई अधस्तन विकल्प नहीं है। ये बात समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को? आ गया, मेरे ख्याल से अपन कर चुके हैं। हमारे प्रीति जी आए तो उनको भी हम बता देते हैं।
तो मॉनिटर तो वही है तो हमको बताना पड़ेगा आपके लिए। हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए थोड़ा आप किसी कारण से जो व्यस्त, लेकिन आप सुनिए हमारी बात। हमारे जैसे हमारा यहाँ पर जो निकालना, वार काल निकालना, वो संख्यात प्रतरांगुल निकालना है। संख्यात का मतलब क्या हो गया, अपन मान लेते हैं पांच, मान लिया अपन कुछ मानो, पांच मानो, दस मानो, करोड़ मानो, लेकिन अपन तो सरल मानेंगे ना, क्योंकि आप पंच परमेश्वर की यात्रा करने गई थी तो हम पंच परमेश्वर का पांच मान लिया, ताकि आपकी यात्रा को भी हम भी लाभ ले लें, ठीक है ना। तो पांच मान लिया पंच परमेश्वर का। और प्रतरांगुल, प्रतरांगुल किसको कहते हैं, अंगुल गुणा अंगुल। जैसे उषा दोषी जगत श्रेणी को जैसे गुणा करते क्या आता है, जगत प्रतर आता है। पल्ले को पल्ले से गुणा करते क्या, क्योंकि प्रतर पल्ले आता है, ठीक है ना। उषा दोषी को उषा दोषी से गुणा करके क्या आएगा, प्रतर उषा दोषी आ जाएगी। क्या जाएगी, प्रतर उषा दोषी आ जाएगी, आएगी ना, आएगी ना। अब बाकी लोगों के तो बोल नहीं सकते, और हमने भी हम भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कल कल बिना डरे हुए बोल दिया हमने, प्रतर उषा दोषी आ जाएगी, ठीक है ना। हम बोल सकते प्रतर अशोका जी क्या होगा, अशोका जी में अशोका जी का गुणा करें तो प्रतर अशोका जी आ जाएगी, आ जाएंगे ना। नाराज मत होना, तो समझाने के लिए, याद रहने के लिए, मतलब कोई याद नहीं करना है। अब हम जब प्रतर पर खड़े हैं तो प्रतर में पता कि अंगुल, प्रतरांगुल मतलब क्या हुआ, अंगुल में अंगुल का गुणा किया। और हमारे कहां पर खड़े, प्रतरांगुल में खड़े, अधस्तन अधस्तन पर जाएंगे तो क्या आएगा, अंगुल आएगा, क्योंकि प्रतरांगुल का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे क्या आएगा, अंगुल आएगा हमारे पास। अब अंगुल पर विकल्प कर रहे हैं, हमें लाना क्या है, पांच प्रतरांगुल लाने, क्योंकि पांच संख्या के प्रमाण के बदले पांच लाना। तो अंगुल का प्रमाण मैंने 65536 मान लिया 65536, और हमारे पास में 256 है, तो क्या किसी 256 को किसी संख्या से भाग देंगे तो 5×65536 आ सकता है, 5 मिनट आ सकता है, नहीं आ सकता है। उसको तो गुणा करेंगे तो आ सकता है, 256 को गुणा करेंगे तो 5 मिनट आ जाएगी, लेकिन भाग दे के तो नहीं आएगा, कम आएगा, कम आएगा, 256 से कम आएगा। और हमें तो कम से कम कितना उत्तर लाना है, हमारा उत्तर लाना है 5 पनट्टी लाना है। कितना लाना हमको, हमारा उत्तर कितना, 5 पनट्टी लाना है। तो आचार्य क्या कहेंगे, मुक्ता जी आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कि अधस्तन विकल्प, बस अधस्तन उपरीतम विकल्प करना पड़ेगा, बिल्कुल। अब हमको लाने संख्या प्रतरांगुल, और अपन है प्रतरांगुल पर खड़े है, तो उपरीतम विकल्प पर जाएंगे तो प्रतरांगुल का वर्ग आएगा, क्या आएगा, प्रतरांगुल का वर्ग आएगा। तो कैसे करेंगे, कि अगर हमने लिया संख्यात लिया और उसको प्रतरांगुल से गुणा किया, संख्यात लिए ही अपने पास में, संख्यात को प्रतरांगुल से गुणा करके नया भागार बन गया, इसको प्रतरांगुल के वर्ग में भाग देंगे तो आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, एक पर बढ़ जाएगा और असंख्यात ऊपर चलाएगा, तो संख्यात प्रतरांगुल हमारा उत्तर आ जाएगा। तो उपरीतन विकल्प इस तरह से हो जाते हैं, ये बात यहां पर चल रही थी हमारी 235 पर। अब हमको पढ़ना ही है, मैंने आपको बता दे कैसे नीचे नहीं आते, कैसे ऊपर नहीं आते, बात सबको समझ में आ गई ना। अब हम बढ़ाते चलाएंगे कि जैसे हमारे को हमने विकल्प खड़ा करना है, प की घात 9 है तो नीचे कितनी आनी चाहिए, प की घात 8 आनी चाहिए, तो ऊपर प एक प्रतरांगुल बनेगा और असंख्या से डिवाइड करेंगे तो भागा करके भागा ऊपर चला जाएगा, तो संख्या प्रतरांगुल आ जाएगा। मतलब तरीका तो वही है, मतलब कोई भी वर्गस्थान में जाए हम इसको पढ़ेंगे, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से रहकर मतलब इसको पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। हम यहाँ से बात कर रहे हैं पेज नंबर 235 पर, और पढ़ने में हमको जो है गणित के विषय को पढ़ने में हम सहारा लेते हैं उषा दोषी और अशोका जी का, क्योंकि दोनों के हमने देखा है, आप लोगों सबका मैं वो नहीं कहता हूं, लेकिन जब गणित का कठिन विषय आता है तो आपके सबके चेहरे पर कुछ कुछ आ जाता है, मतलब प्रीति जी के भी चेहरे पर ऐसा हो जाता है कि कुछ कुछ कठिनाइयां महसूस होती है। लेकिन दो प्राणियों को मैंने देखा यहाँ पर, ये एक अशोका जी और ये ऊंचा दोचे और कसर जी भी है, बाकी सबका देखा कुछ हो जाता है, ऐसा लगता है कठिन है कुछ विषय कठिन है। मुग्धा जी इसमें मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं भी टीचर हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ में स्वाध्याय कर रहा हूँ, तो मैं भी स्टूडेंट को देखता हूँ, यहाँ तक कि प्रवीण जी को लगता है कठिन आ रहा है, मतलब कठिन है लेकिन आप लोगों के फेस पर झलक लगता है कि आपको विषय कठिन लगता है। लेकिन ये दो जो है मेरे तीसरी पुस्तक में बहुत सहारा रहे पढ़ने में, कि उन्होंने कहा हमें कठिन से मतलब नहीं है, हमें तो स्वाध्याय करना है, जितना समझ में आएगा उसके लिए हम प्रसन्न रहेंगे। और तीसरी पुस्तक का स्वाध्याय करने वाला वही कर सकता है प्रीति जी, जो इस बात का प्रतिज्ञा है कि जितना समझ में आ रहा है उसकी तो है प्रसन्नता,
और जिसका नहीं समझ में आ रहा है उतना फिर से आचार्य से पूछेंगे जाके। जिज्ञासा है ऐसा ही है। चलिए पढ़िए पढ़िए अशोका जी। ग्रहित उपरिम विकल्प 233 प्रश्न 235 पर पढ़ेंगे बन। वो मैंने बाकी तो मैंने बता दिया ना आपको कैसे निकालना। ग्रहित आदि के भेद से उपरिम विकल्प तीन प्रकार का है, उनमें से द्विरूप ग्रहित उपरिम विकल्प को बतलाते हैं। प्रतरांगुल के संख्यात्मक भाग से प्रतरांगुल के उपरिम वर्ग के भाजित करने पर पंचेंद्रिय त्रिंच योनिनी मिथ्या दृष्टियों का आभार काल आता है। क्या हुआ देखो सुनो, प्रतरांग देखो कितना सरल है। प्रतरांगुल के उपरिम वर्ग में मतलब क्या गया, प्र का वर्ग आ गया। क्या आ गया? प्र का वर्ग आ गया। और हमें उत्तर क्या लाना है? संख्यात प लाना है। प्रतरांगुल में प्र बोल रहा हूँ, आप प भी बोल सकते हो। ईशा जोशी आपको प बोलना पड़ेगा यहाँ पर। आप कह रहे थे बीजगणित अंगणित से सरल पढ़ते हो, नहीं अब यहाँ पर सारी पुस्तक में अंगणित है ही नहीं है, एक ही जगह पर है वो अलग विषय के लिए। तो प्रतरांगुल का उपरिम वर्ग, तो प्रतरांगुल को आप क्या मानेंगे ऊषा जोशी? जो आप माने हम वही मान लेंगे। बोलो क्या मानेंगे? प्रतरांगुल को प मानेंगे कि प्र मानेंगे? अनम्यूट कीजिए ऊषा जोशी, अनम्यूट कीजिए। प्रतरांगुल का उपरिम वर्ग तो नहीं, नहीं पहले प्रतरांगुल को प मानेंगे कि प्र मानेंगे? वो पल्ले को हमेशा प मानते आ रहे हैं, प्र मान लेते हैं तो नहीं आती ना, प्र आ गया। ओके अब मैंने कहा प्रतरांगुल का उपरिम वर्ग तो क्या हो जाएगा? प्र का वर्ग। प्र का वर्ग मतलब क्या? प्र गुणा प्र। ये थोड़ा सा आप समझ लो आगे, क्योंकि अभी दो तीन बार आने वाला है, ये कहीं आने वाला, सिर्फ नाम बदलेगा, तरीका वो का वही है जो पहली बार चल रहा है ना, वही निरुक्ति वही कारण वही उपरिम, कुछ चेंज नहीं है। तो प्रतरांगुल का उपरिम विकल जा रहे हैं और प्रतरांगुल पर खड़े है, तो उपरिम विकल क्या होगा? प्रतरांगुल का वर्ग होगा, मतलब प्र का वर्ग होगा। अब हमें उत्तर क्या लाना है? संख्यात प्रतरांगुल लाना है, मतलब नीचे भागार में एक प होगा तो एक प्र कट जाएगा और ऊपर एक प्र बचेगा, और प्रतरांगुल को संख्यात से भाग देंगे तो भागाकार का भागार ऊपर चला जाएगा। इसको कैसे समझाएंगे उषा दोषी? क को क बटा दो से भाग देने पर कितने आएंगे? भाग देने पे तो दो का आएंगे ना, फिर का भाग देंगे तो क्यों आएंगे? दो का होंगे कि का बटा दो, तो दो ऊपर चला गया और नीचे क से क एक का कट गया। फिर से क वर्ग में का भाग देने पर क आता है, का में क्या का बटे दो, का वर्ग में का बटे दो का भाग देने पर दो का आते हैं। का में क वर्ग में क के चार भाग, चौथे भाग देने पर क्या आएगा उषा दोषी? चार आएगा, चार का आएगा, चार का इसे आएगा। ये हमको समझ में नहीं आया, जैसे दो प्र लिखा था अपने ऐसे भाग से बंद है। चलो प्र चार में प्र चार का चौथा भाग देने पर चार प्र आएंगे, तो प्र चार में ऊपर कितने? चार प्र है, नहीं चार पर नहीं है, प्र 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 के वर्ग में प्र गुणा प्र में प्र का चौथा भाग देने पर चार प्र आएंगे, तो एक प्र कट जाएगा, चार ऊपर चला जाएगा और चार प्र आ जाएंगे। अब जहां चार लिखा है ना, वह दस लिखेंगे तो क्या होगा? प्र बटा चार, दस ऊपर से दस प्र आएंगे, और 2300 लिखेंगे तो 2300 प्र आएगा। संख्यात लिखेंगे तो संख्यात आएगा, संख्यात प्र आ जाएगा, संख्यात का आ जाएगा, और असंख्यात लिखेंगे, असंख्यात से भाग देंगे तो असंख्यात आ जाएगा, असंख्यात का आ जाएगा। अनंत तो भाग दे नहीं सकते क्योंकि राशियां सब उसमें चल रही है। तो अब हमें उत्तर क्या लाना? संख्यात प्र लाना। क्या लाना? संख्यात प्र लाना। और हम कहां पर खड़े हैं? प्र के वर्ग पर खड़े हैं, उपरिम विकल्प जा रहे हैं ना, प्र के उपरिम विकल्प। तो प गुणा प्र है, तो अपन क्या करेंगे कि जो प बटा संख्या से उसको भाग देंगे, एक पर कट जाएगा और पर क्या आएगा? संख्यात पल्य आ जाएगा। यही बात अशोका जी फिर से पढ़ी है, अब बताए पढ़िए इसको। ग्रहित आदि के भेद से उपरिम विकल्प तीन प्रकार का है, उनमें से द्विरूप में ग्रहित उपरिम विकल्प को बतलाते हैं। प्रतरांगुल के संख्यात्मक भाग से प्रतरांगुल के उपरिम वर्ग के भाजित करने पर पंचेंद्रिय त्रिंच योनिनी मिथ्या दृष्टियों का आभार काल आता है। ये एक तरह से उन्होंने बता दिया जो मैंने अभी 10 बार बोला आपको। इसमें यही बोल रहे हैं कि अगर प्रतरांगुल आपने क माना है ना,
तो क्या बोल रहे हैं, क वर्ग को क बटा दो, क बटा असंख्या से भाग देंगे तो असंख्यात, संख्यात का जाएंगे, संख्या से भाग देंगे संख्यात का जाएंगे, क वर्ग को क बटा संख्यात से भाग देने पर संख्यात का आएंगे, या क की जगह क्या लेना, प्रत्यंगुल लेना है, प्रत्यंगुल के ऊपरी वर्ग को है ना संख्यात प्रत्यंगुल से भाग देंगे तो प्रत्यंगुल के संख्यात भाग से भाग देंगे तो संख्यात प्रत्यंगुल। इसी को आचार्य दूसरी पद्धति से बताने वाले हैं कि भागार के जितने अर्धच्छेद हो उतने भाज्यमान राशि के अर्धच्छेद करने पर भी वही उत्तर आएगा। जैसे पहले अपन कर रहे थे 16 बटा में 16 में 4 का भाग देते थे तो क्या आता था उत्तर, 4 आता था, 4 आता था। 4 के कितने अर्धच्छेद हैं, 4 के दो, 4 के अर्धच्छेद बताओ, हमारे मंजुला जी बता रहे अर्धच्छेद किसको कहते हैं, किसी संख्या तो 4 को अर्धच्छेद निकाले कितने आए, अश्विन 2 आ गए है ना। अब 2 बार 16 के अर्धच्छेद का उत्तर कितने आएगा बोलो, 16 को एक बार अर्धच्छेद के 8 आया और दूसरी बार 4 आएगा, यहाँ लाइन पढ़ेंगे यहाँ पर बड़े बड़े अशोका जी पढ़िए, उक्त भागार के पढ़ो, उक्त भागार के जितने अर्धच्छेद हो उतनी बार उक्त भज्यमान राशि के अर्धच्छेद करने पर भी पंचेंद्रिय त्रिरंज योनि मिथ्या दृष्टि आहार काल आता है। यहाँ पर भागार क्या है, प्रत्यंगुल का असंख्यात संख्या भाग, प्रत्यंगुल का संख्यात भाग भागार है, उसके जितने अर्धच्छेद हो उसके जो है अपन प्रत्यंगुल के करेंगे, प्रत्यंगुल के वर्ग के करेंगे ऊपर के तो हमारे को वही उत्तर आ जाएगा, संख्यात प्रत्यंगुल उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार आगे चलो, इसी प्रकार पढ़ो आगे, यह मध्यम विकल्प क्या गया, यह मध्यम विकल्प है जो ऊपरी विकल्प का निर्णय कराने के लिए बताया गया है। प्रत्यंगुल के संख्यात्मक भाग से प्रत्यंगुल के ऊपरी वर्ग को गुणित करके जो लब्ध आवे उसका प्रत्यंगुल के ऊपरी वर्ग के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर पंचेंद्रिय त्रियंच योनिनी मिथ्या दृष्टि अवहार काल आता है। अब कहते ऊपरी तब अब चलेंगे अब ऊपर दो है ना, तो क्या क्या प्रत्यंगुल के ऊपरी वर्ग के ऊपरी वर्ग का कितना हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया यहाँ पर ऊपरी वर्ग कितना हो गया, प्रत्यंगुल के ऊपरी वर्ग को गुणा करने पर, ठीक है लिखा ना, क्या लिखा मध्यम ऊपरी विकल्प का निर्णय करने के लिए क्या बताया, प्रत्यंगुल के भाग को किससे गुणा किया, प्रत्यंगुल के वर्ग से गुणा किया तो उसको किससे भाग दिया, प्रत्यंगुल के ऊपरी वर्ग के ऊपरी वर्ग, ऊपर वालों के ऊपर वाले, तो ऊपरी वर्ग का ऊपरी वर्ग कितना हुआ, उसका 4 4 हो गया, और अपने को उत्तर प्रचे तो नीचे कितने आने चाहिए, 3 प्र आने चाहिए, 3 प्र आना ऊपर 4 3 प्र आने चाहिए, क्या करेंगे प्रत्यंगुल के असंख्यात भाग को प्रत्यंगुल से गुणा कर लेंगे और उससे अपने को भाग दे देंगे, प्रत्यंगुल के वर्ग से गुणा कर देंगे, प्रत्यंगुल के संख्यात भाग को प्रत्यंगुल के वर्ग से गुणा करके जो भागार आएगा उसको प्रत्यंगुल के ऊपरी वर्ग के ऊपरी वर्ग में भाग देंगे। अब ऐसा बोलने में नहीं भी समझ में आए तो प्र की 4 घात है, नीचे क्या किया हमने, प्र गुणा प्र का वर्ग किया, तो यहाँ 2 है वो 3 है, 3 पर कट जाएंगे, ऊपर एक प्र बचेगा और भागार में जो संख्या था ऊपर चला जाएगा तो संख्या प्रत्यंगुल उत्तर आ जाएगा। करके बताऊं क्या हो गया है आप लोग, चलो आगे चलो, इसी प्रकार ऊपर जानकर भी कथन करना चाहिए, ठीक है। अब बताइए, अब चलिए उषा दोषा आप पढ़िए, अब अष्टरूप में पढ़िए, फिर निकाल लें क्या, हाँ बुक वो मेरे पास नहीं है ना बुक, अब कहाँ पर आ गया, और थोड़ा 236 पर है, अब अष्टरूप ग्रहित उपरिम विकल्पों को बतलाते हैं, पत्रांगुल के संख्यात विभाग से पत्रांगुल के उपरिम वर्ग के उपरिम वर्ग को गुणित करके जो लब्ध आवे उसका घनांगुल के उपरिम वर्ग के उपरिम वर्ग में भाग देने पर पंचेंद्री तिर्यंच योनिनी मिथ्या दृष्टि अवहार काल आता है। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है,
पत्रांगुल के उपरिम वर्ग के उपरिम वर्ग का घनांगुल के उपरिम वर्ग के उपरिम वर्ग में भाग देने पर पत्रांगुल का उपरिम वर्ग आता है। पुनः पत्रांगुल के संख्यात में भाग से पत्रांगुल के उपरिम वर्ग के भाजित करने पर पंचेंद्रीय तिर्यंच योनिनी मिथ्या दृष्टि अवहार काल आता है। उक्त भागार के जितने अर्ध छेद हो उतनी बार उक्त भाज्यमान राशि के अर्ध छेद करने पर भी पंचेंद्रीय तिर्यंच योनिनी मिथ्या दृष्टि अवहार काल होता है। रुकेंगे, देखो अष्टरूपलक घनधारा में बता रहे हैं, दो ही तरह से बताएंगे। एक तो करेंगे कि जिस स्थान पर हमें विकल्प निकालना, हमें ऊपर निकालना है, घन धारा में उपरिम निकालना है, तो जिस स्थान पर निकालना है, जिस राशि से निकालना है, उसको उसकी जितनी घात होगी उससे एक घात कम नीचे आनी चाहिए और नीचे उसका भागार का भागार भी संख्यात होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना है तो अपने को ऊपर जो संख्यात पत्रांगुल हमको उत्तर चाहिए। और दूसरी विधि क्या कहेंगे कि उक्त भागार के जितने अर्ध छेद हो उतनी भाज्यमान राशि के अर्धछेद करने पर अवहार काल आ जाता है। 16/4 क्या था, तो 4 के अर्धछेद 2 है, तो भाज्यमान राशि 16 के 2 बार अर्धछेद के तो 4 आ गए। उदाहरण याद रखो 16/4 का सरल से, और फिर इसको लगा दो, उसको पढ़ लो तो आपको बराबर याद आ जाएगा। ठीक है ना, एक बार फिर से पढ़ते हैं। हमारे प्रीति, प्रीति जी आपके पूछ सके क्या? हाँ पढ़िए, आप पढ़िए 236 पेज पर फिर से पढ़िए। अब अष्टरूप में ग्रहित उपरिम विकल्प बतलाते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सबका पक्का हो जाए। अब अष्टरूप में ग्रहित उपरिम विकल्प को बतलाते हैं। प्रतरांगुल के संख्यात में भाग से प्रतरांगुल के उपरिम वर्ग के उपरिम वर्ग को गुणित करके जो लब्ध आवे उसका घनांगुल के उपरिम वर्ग के उपरिम वर्ग में भाग देने पर पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमति मिथ्या स्पष्टीकरण इस प्रकार, प्रतांगुल के उपरिम वर्ग के उपरिम वर्ग का घनांगुल के उपरिम वर्ग के उपरिम वर्ग में भाग देने पर प्रतरांगुल का है। पुनः प्रतरांगुल के संख्यात में भाग से प्रतरांगुल के उपरिम वर्ग के भाजित करने पर पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमति मिथ्या दृष्टि अवहार काल आता है। उक्त भागाहार के जितने अर्ध छेद हो उतनी बार उक्त भाज्यमान राशि के अर्ध छेद करने पर भी पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमति मिथ्या दृष्टि अवहार काल आता है। इसे मेरे को समझाना नहीं, इसे बताना है और आपको समझना नहीं, केवल सुनना है, क्योंकि ये राशियां नंबर है ना, बड़ी बड़ी हो जाती थी। ये देखो यहां पर, यहां क्या लिखा दूसरे एंड में, घनांगुल के उपरिम वर्ग में क्या लिखा उन्होंने, घनांगुल के उपरिम वर्ग में। और अपनी बात क्या चल रही थी, प्रतरांगुल चल रही थी। अपन कहां पर बात करते, प्रतरांगुल, और यहां पर केस पर लिया है घनांगुल में, जब घन धारा में आए। इनका कहने का क्या मतलब है कि भाई प्रतरांगुल से नीचे तो हम बोल रहे थे अधस्तन विकल्प है, नीचे जा रहे थे, लेकिन जो घनांगुल है, घनांगुल कौन है, प्रतरांगुल के पहले वाला स्थान घनांगुल है। प्रतरांगुल के पहले वाला स्थान क्या है, घनांगुल। दीर्घ ऊपर के धारा में जहां पर प्रतरांगुल है उसके पहले वाला स्थान क्या है, पहले वाला तो सुचांगुल है, बोल दिया था, गलत बोला है, प्रतरांगुल के पहले वाला स्थान सुचांगुल है। ठीक है ना, अंगुल और जहां पर अंगुल है उसके नीचे वाला घनधारा में स्थान घनांगुल है। अब ये जो यहाँ पर लगा रहे हैं उसे घनांगुल का लगा रहे हैं, घनांगुल कहाँ पर है, ये जो घनांगुल का प्रथम वर्गमूल पर आ जाएंगे, कहाँ पर नीचे लगाए ना, ये घनांगुल का उस पर लिया है। घनांगुल कहाँ पर है, प्रतरांगुल जो घनधारा में है उसके पहले वाला स्थान जो घनांगुल होगा। ठीक है ना, मतलब प्रतर घन का वर्गमूल हो जाएगा, लेकिन अपन उस तरह से देखें तो सुचुंगुल का घन आएगा जो एक स्थान नीचे आएगा। ठीक है ना, ये बात अपने को ध्यान रखने की है। तो या तो आप लिखो सुचुंगुल का घन, अब सुचुंगुल का घन क्या होगा, प्रथम वर्गमूल का सुचुंगुल गुणा सुचुंगुल गुणा सुचुंगुल, तीन बार। अब सुचुंगुल गुणा सुचुंगुल क्या हो गया, प्रतरांगुल हो गया, और एक क्या हो गया, अभी भी अंदर जो है सुचुंगुल अंदर घन के अंदर रह गया,
है ना, तो इस तरह से अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो थोड़ा सॉल्व करने में कठिनाई हो सकती है। दूसरा ये भी हो सकता था कि प्रतर जहां पर आता है उसके नीचे गंधारा में क्या आएगा, प्रतर का घन आएगा, क्या आएगा, प्रतर का घन आएगा, लेकिन हमें तो उसके पहले स्थान पर जाना है, तो प्रतर के घन का प्रथम वर्गमूल सुचुंगुल का घन है। सुचुंगुल का घन कौन सा है, प्रतर घन का प्रथम वर्गमूल है, मतलब प्रतर घन का 3/2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा वो 3/2 हो जाएगा। अब एक घात के बिल्कुल दोबारा बोल दीजिए, प्रतर घन का, प्रतर घन का पहले वाला स्थान क्या होगा, उसका वर्गमूल होगा, जैसे पनेटी का पहला स्थान क्या होगा, 256 होगा, तो जो प्रतर घन है उसके पहले वाला स्थान क्या होगा, प्रतर की घात 3/2 हो जाएगा, घन तो ही है और उसका एक बार वर्गमूल लिया तो 3/2 हो जाता है, अगर आगे करेंगे तो 3/6 हो जाएगा, प्रतर का घन हो जाएगा, प्रतर घन का आगे वाला स्थान क्या हो जाएगा, प्रतर का घन वर्ग हो जाएगा, प्रतर घन प्रतर का वर्ग हो जाएगा, घन प्रतर का आगे वाला स्थान क्या हो जाएगा, घन प्रतर का वर्ग हो जाएगा, वर्ग की घात 6 हो जाएगी, वर्ग की घात 3/2 हो जाएगी ना, वर्ग करेंगे तो, और पहले वाला स्थान क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 ठीक है। सिर्फ इतना ही बताना था कि यहाँ पर जो है कुछ भाषा ऐसी आ जाती है तो हम सबको सबको लिख कर करेंगे तो वो अपने को समझ में आ जाता है, लेकिन फॉर्मूला अपन पहले बता दीजिए, ये बात एक बार और बता दीजिए, प्रतर घन का पहला स्थान उसका वर्गमूल और प्रतर की 3/2। मैं क्या बता रहा हूँ कि दीर्घ वर्ग धारा में जहां पर प्रतर आता है उसके पहले वाला स्थान होता है सुचुंगुल, अंगुल होता है, क्यों, अंगुल का गुणा अंगुल होता है, और जहां पर अंगुल आता है वह घन धारा में घनांगुल होता है, वो घनांगुल, और यहां पर उन्होंने जो लिया है उन्होंने घनांगुल का लिया है। अब घनांगुल का प्रतरांगुल के उपरिम वर्ग का घनांगुल के उपरिम वर्ग में, घनांगुल का उपरिम वर्ग क्या होगा, घनांगुल का वर्ग होगा ना, घनांगुल का वर्ग उसका 4 होगा ना, प्रतर घन का घन होगा, प्रतर घन होगा, घनांगुल का उपरिम वर्ग प्रतर घन होगा, घनांगुल का उपरिम वर्ग नहीं समझ आया, अंगुल के आगे वाला स्थान क्या है, प्रतरांगुल, प्रतरांगुल के नीचे वाला स्थान गंधारा में क्या है, प्रतर घन है, प्रतर घन। अपन हमेशा बोलते हैं कि दीर्घ वर्ग धारा स्थान में जहां पर 16 आता है वह घन धारा में 16 का घन आता है, जहां पर 256 आता है वहां पर 256 का घन आता है, जहां पर पनट्टी आती है वहां पर पनट्टी का घन आता है। अब अपन को यहां पर ऊपर लिखना है प्रतरांगुल, उसके पहले लिखना है अंगुल, तो जहां पर प्रतरांगुल लिखा है वहां पर घन धारा में क्या आएगा, घनांगुल आएगा, प्रतरांगुल का घन आएगा, हाँ घनागन घन धारा में प्रतरांगुल का घन आएगा, क्योंकि जहां 16 लिखा हुआ 16 का घन, जहां 256 लिखा 256 का घन, जहां पनट्टी लिखा हुआ पनट्टी लिखा है, तो दीर्घ वर्ग धारा में जहां पर प्रतरांगुल लिखा है घन धारा में उसके नीचे क्या लिखेंगे, प्रतरांगुल का घन, प्रतरांगुल का घन लिखेंगे फिर से, तो आप लिख लो ना, आपके दोनों के ऊपर लिख लो तो आपको समझ आ जाएगा, मैं कोशिश करूं लेकिन वो चलना चाहिए मेरा कंप्यूटर। तो फिर इसमें संख्या क्या लिखेंगे, संख्या यहाँ पर अंगुल और प्रतरांगुल और प्रतरांगुल का घन, कोई संख्या लिखना ही नहीं, प्रतरांगुल ऐसे ही लिखना, कोई बात नहीं, ये प्रतरांगुल को मैंने पी लिख दिया है, पर अभी मेरे पास दूसरा बनता नहीं इसलिए मुझे कुछ कर नहीं सकता, मैं ये एस लिख दिया, एस क्या सुचुंगुल है, तो अब देखो ये सुचुंगुल पहले वाला है, ये प्रतरांगुल है, आगे वाला क्या आएगा, प की घात 2 हो जाएगी, प्रतरांगुल प्रतरांगुल के ऊपर इसका वर्ग चला जाएगा, पी जो है प्रतरांगुल है, आप अंग्रेजी में समझिए थोड़ी देर, ये प्रतरांगुल हो गया, ये अपनी धारा चल रही है, पहला एस मतलब सुचुंगुल है, उसका वर्ग क्या था, प्रतरांगुल आया, उसका वर्ग क्या था, प्रतरांगुल का वर्ग आ गया, ठीक है। अब जहां पर एस है वहां पर क्या आ जाएगा,
घनांगुल आ जाएगा, घनांगुल है ना, ये घनांगुल आ जाएगा ना, तो मैंने उसको कर दिया जी एस कर दिया, मतलब घनांगुल हो गया जी के नीचे, जहां पर प्रतर है वहां पर क्या आएगा, प्रतरांगुल का घन आएगा, घन प्रतर आ जाएगा ना, प्रतरांगुल का क्या है ना, तो वहां पर क्या आ जाएगा मालूम है, पी की घात तीन आ जाएगी, हाँ तीन आ जाएगी, वही प्रतरांगुल का घन आएगा, प्रतरांगुल का घन आ जाएगा है ना, ये आ जाएगा बराबर, पी दो है वहां पे पीछे आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा ठीक है ना, और जहां पर ये प्रतरांगुल का वर्ग है वहां पर क्या आ जाएगा, ये प्रतरांगुल का छह का घात आएगा, आ जाएगी और ऊपर आ जाएगी छह आ जाएगा, ये आया अच्छा आया, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना, आगे अब ये तो अपन ने बताने के लिए सूचकांकुल लिख रहे थे क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सूचकांकुल लिख लिया, लेकिन हमेशा अपन इसको क्या लिख रहे थे, यहाँ पर अपन लिखेंगे तो इसके नीचे अपन ये भी तो लिख सकते थे पी की घात तीन बटा दो कर सकते थे, यहाँ जो प्रथम वर्ग में लाएगा नहीं है, और यहां क्या लिख सकते थे, घन धारा दो तरह से लिखी मैंने, एक लिखी सूचकांकुल और प्रतरांगुल घन और पी सिक्स, लेकिन अगर अपन उस तरह से लिखे तो पी की घात तीन बटा ये आ गया ना, यहाँ का सूचकांकुल ये गया, पी के नीचे ये घनांकुल आ गया, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा सर, ये नीचे वाली लाइन जो है प्रतरांगुल की है, हाँ ये लाइन पूरी मैं काट के फिर से लिखता हूँ क्योंकि एक के नीचे एक नहीं आई ना, इसलिए आपको लग रहा है सबसे नीचे वाली में प्रतरांगुल का तीन बटा दो, एक मिनट इरेज करना पड़ेगा मुझे, सब द्विरूप धारा में सूचकांकुल आया तो फिर उसका प्रतरांगुल हुआ, फिर प्रतरांगुल का वर्ग आ गया और फिर प्रतरांगुल का घन, घन धारा में प्रतरांगुल का घन आएगा, फिर घनांगुल में अंगुल है उसको अंगुल लिख देता हूँ, ए लिख देता हूँ, तो अंगुल को ए लिख दिया, चलो ये समझिए अंगुल है, ये क्या आ जाएगा, प्रतरांगुल, ठीक है, प्रतरांगुल का वर्ग आएगा, ये प्रतरांगुल का वर्ग आ गया, यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, घनांगुल हो जाएगा, अब अगर अपन घन धारा लिखते हैं, अपन लिखते तो क्या लिखते हैं, अपन जो लिखते हैं घनांगुल लिखेंगे या पी लिखेंगे, या पी लिखेंगे और ऊपर इसका घन कर देंगे, घन किया ठीक है ना, एक मिनट, और यहाँ पर क्या करेंगे, ए लिखेंगे और ए का घन कर देंगे, हाँ जो ऊपर लिखा वो जो वो स्थान अपना है ना, ये ए के नीचे ए का घन आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ जो पी लिखा है या पी लिखा है उसके आगे पी की घात छह आ जाएगी, छह आएगी, ये छह रहेगी, अब ये एक ग्रुप है पी की घात का, एक ग्रुप है पी के नीचे पी बटा तीन है, ए का एक घनांगुल है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये इन्होंने घनांगुल वर्ड लिख दिया, मतलब ए ए की पावर तीन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको अगर अपन ए अंगुल नहीं लिखते प्रतरांगुल में लिखते तो ए की जो घनांगुल को प्रतरांगुल के में क्या लिख सकते हैं, प्रथम वर्गमूल किसका लिख सकते हैं, ये क्या है, प्रतरांगुल का प्रथम वर्गमूल है, प्रथम वर्गमूल नहीं, प्रतरांगुल के घन का प्रथम वर्गमूल, प्रतरांगुल के घन का प्रथम वर्गमूल, प्रथम वर्गमूल तो यहाँ पर आएगा, घनांगुल है ना, जहाँ ए लिखा है वहां पर प्रतरांगुल का प्रथम वर्गमूल है, जहाँ पर ए की घात तीन लिखी है वहां प्रतरांगुल के घन का प्रथम वर्गमूल है, बस ये समझ आ रहा है तो पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि आचार्य ने लैंग्वेज बदल दी, यहाँ पर पी भी लिखा और ए भी लिखा है, इसलिए हमको थोड़ा सा वो समझने में हो सकता है, लेकिन उत्तर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग समझ गए हैं कि कैसे करने का है, बस इतना ही बताना था मुझे, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बताया मैंने, उषा जी क्या बोले, अशोका जी बोलिए, कोई बोलिए, सर बताती हूँ, पहले सूचकांकुल बताया द्विरूप धारा में जहाँ है, फिर सूचकांकुल का प्रतरांगुल और फिर प्रतरांगुल, फिर प्र का वर्ग आ गया, प्रतरांगुल का वर्ग आ गया,
और फिर जहाँ सूचांगुल है वहां पर जो है ये ए थ्री आया कि ये प्रत्रांगुल का प्रथम वर्गमूल है, और फिर प्रत्र घन आया पीट थ्री किया उसको, फिर जो है जहाँ पर ये प्रेर का वर्ग आया टू वहां पर जो है इसका घन धारा में ये प्र का सिक्स आया प्रत्रांगुल का। अच्छा, उनको सामान्य से पता है कि वीर वर्ग धारा में पहला स्थान चार, दूसरा 16, तीसरा 256, चौथा 58, इस तरह से आगे वर्ग करते करते जाएं तो आगे के स्थान बढ़ जाते हैं। ये बात समाप्त हुई। अब आता हूं मैं घन धारा में। घन धारा में जहां चार का स्थान है वहां चार का घन है, जहां 16 वहां 16 का घन है, जहां पर 256 वहां 256 का घन है, जहां 58 वहां 58 का घन है। घना घन धारा में जहां चार है वहां चार का घात 2 हो जाएगी, जहां 16 है वह 16 की घात 9 हो जाएगी, जब 256 है वह 256 की घात 9 हो जाएगी, जहां पर 58 है वह 58 की घात 9 हो जाएगी। ये तीन अपने को बराबर लिख कर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसी से जो है सारा समझाता है। इतना जानने के बाद में एक बात अवश्य देखना चाहिए कि किसी भी स्थान को ले ले, जैसे 256 को हम ले लें धीरूपर गधारा में, तो 256 के पहले वाला स्थान क्या होगा, 256 का प्रथम वर्गमूल है ना, और 256 के आगे वाला स्थान क्या होगा, 256 का वर्ग होगा। उसके आगे वाला स्थान क्या होगा, 256 के वर्ग का वर्ग होगा, मतलब 4 जाएगा। अभी पन्नट की बात देख रहे, किसी एक ही संख्या में लेकर बात चलेंगे कि आगे के स्थान वर्ग रूप बढ़ते जाते हैं और पीछे के स्थान वर्गमूल रूप में घटते जाते हैं, वर्गमूल वर्गमूल का वर्गमूल वर्गमूल का वर्गमूल घटता जाता। अब मैंने लिखा 256 का प्रथम वर्गमूल, तो उषा दोषी इसको घात पे कैसे लिखेंगे, 256 स्क्वायर 3 ऊपर नहीं, 256 मतलब 56 वर्ग वर्गमूल लेंगे तो 1/2 वर्गमूल लेंगे ना, मूल लेंगे तो 1/2 लेंगे, और इसका आगे का वर्ग करेंगे तो 256 का वर्ग, ठीक है ना। तो अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो 256, 256 का वर्ग, 256 की घात 4, 256 की घात 8, दुगनी कर देना। नीचे उतरेंगे क्या आएगा, तो कम हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। 256 का घात तो भागीले दो, 256 भागीले 4, ऐसा वर्गमूल कम हो जाएगा। कम नहीं, मुझे सुनना है, 256 से नीचे उतरो उषा दोषी, हाँ तो फिर 16 आ जाएगा, 16 का फिर 4 आ जाएगा, फिर 16 नहीं करना, अभी 256 में बात करनी है। 256 का प्रथम वर्ग, 256 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड नहीं भागीले 2, भाग वही भागी। देखो जब तक अपन ये नहीं समझेंगे ना, ये गणित अपने को नहीं समझाएगी। ये 256 लिखा, ठीक है ना। अब यहां पर क्या आएगा आगे, 256 का वर्ग आएगा, ठीक है ना। आगे आएगा, बस दो लाइन लिखेगा, 4 घात आएगा, यह घात 4 हो जाएगी, बहुत बढ़िया, ये मैंने सही बता दिया। अब हम पीछे जाएंगे तो क्या आएगा उषा दोषी, ये 256 का प्रथम वर्गमूल आएगा, इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 1/2 लिखते हैं। ये 256 का जो एक ये लिखा ना अपन नहीं है, ये जो लिखा 256 ये दो फिर उसके उधर जाएंगे तो 1/4 हो जाएगा, हाँ इधर 1/4 आ जाएगा, ये बस 256 आए ना, ये 256 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो क्योंकि अपने को क्या यहाँ एक संख्या को लेके अपन कर रहे हैं ना, पल्ले को ले रहे हैं, प्रदर्पण को ले रहे हैं, 256 को ही लेते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब वो बात दूसरी कि 256 हमारी पनेटी वो हम जानते हैं, उसकी अभी यहाँ बात नहीं है, यहाँ पर तो 256 को लेकर अपने बात चल रही है, ठीक है ना। क्या अब जहां पर 256 है वहां पर घन धारा में क्या आएगा,
256 का घन आएगा, ये थोड़ा सा लाइन जनरल नहीं होती कोई बात नहीं, ये यहाँ आएगा 256 का, ये 256 के 256 का घन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा फिर 256 आएगा, घन का वर्ग ऐसा भी लिख सकते, 256 है और घन ऑलरेडी है तो 3 × 2 हो जाएगा तो कितना जाएगा 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा, 256 का 12 घात आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 24, 256 नहीं 13 आएगा ऊपर, 1/3 आएगा, हाँ 1/3 तो नहीं, 3/2 इसका आधा तो जाएगा, अब यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर अपन जब आए यहाँ पर तो यहाँ क्या जाएगा 4/2 6/4 आ जाएगा, यह क्या जाएगा 3/4 क्योंकि इसका दुगना दोनों आ जाएगा, आगे चलेंगे तो 3/2 वो हो जाएगा 8 हो जाएगा। अच्छा ये तो हो गया लिखने की अपेक्षा से, अब तो बोलेंगे कैसे, ये इसको 256 को क्या बोलेंगे, 256 का घन है तो इसका प्रथम वर्गमूल हो गया, ये इसका द्वितीय वर्गमूल हो गया, और ये क्या हो गया इसका वर्ग हो गया, ये इसका उपरिम वर्ग हो गया, तो इसका उपरिम वर्ग क्या हो गया ये हो गया, और इसके उपरिम वर्ग क्या हो गया ये बात हो गई, ये बात आचार्य लेकर बात कर रहे हैं, एक तो बात हो गई, यहाँ पर एक बात और कर ली उन्होंने, चूंकि जहां पर हम खड़े हैं वो स्थान 256 है, इसके पहले ये कौन सा स्थान है प्रत्रांगुल है, तो इसके पहले वाला स्थान क्या हो गया अंगुल हो गया, और ये क्या हो गया घनांगुल हो गया, ठीक है, ये सब समझने के लिए बोला मैंने, बाकी जिस तरह से अपन ने किया है उस तरह से करने पर एक कट जाता है, ठीक है। हाँ अशोक जी, अच्छा हमारे कस्तूरी जी बता रहे, कस्तूरी समझाइए क्या बता रहे हैं, हम 256 लिया था, 256 का उपरिम वर्ग आएगा तो 256 का वर्ग आएगा, उसके आगे ले गए और एक आगे ले गए तो 256 का 4 घात आएगा, और जब अधस्तन विकल्प लेंगे तो 256 का 1/2 आ जाएगा, बहुत बढ़िया, और उससे पहले का वर्गमूल लेंगे तो 256/1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब आशा बहन आप समझाइए, मैंने बोर्ड भी लगा दिया आप लोग सामने, समझाइए समझाइए, बीच में 256 है, 256 के लिए जो शब्द है वो 256 का 1/2 तो नीचा विकल्प है, फिर नीचे और कम करें तो 256/1/4 का, और ऊपर जोड़ जाएंगे तो 256 का वर्ग आएगा, और फिर घन में 256 का 4। मैंने पढ़ने के लिए नहीं कहा है, मैंने समझने के लिए कहा, मैं स्टूडेंट हूँ आप टीचर हैं, आपको समझाना है, आप पढ़ रहे हैं, मुग्धा जी आपको समझाइए, ऊपर वाला प्रत्रांगुल का नीचे वाला घन, मैं समझाऊ पंडित जी, जाइए आप बताएंगे समझाएंगे, घन धारा में 256 का घन, पहले वर्ग धारा, पहले घन धारा नहीं, पहले वर्ग धारा, ऊपर वाले का नाम है दीर्घ वर्ग धारा, वर्ग धारा में 256 उसका वर्ग आएगा, 256 का वर्ग उपरिम वर्ग, और उपरिम वर्ग का उपरिम वर्ग आएगा 256 का वर्ग 4, और इसका अधस्तन विकल्प में ये जो तीसरे नंबर का 256 है यहाँ पर हम है द्विरूपक धारा में, इसे उपरिम में 256 का वर्ग आएगा 2, और फिर उसे ऊपर जो है 256 का 4 होगा वो घनांगुल में आ जाएगा, और ये उसके अधस्तन में आएंगे तो 256 1/2 हो जाएगा, फिर उससे नीचे आएंगे तो 256 का 1/4 हो जाएगा, सर गलत है, सही है
लेकिन अभी आप सब लोगों को उसमें डॉक्टरेट करनी है, मैं बताऊंगा। आप बताओ, बोल बोलो प्रीति जी, बोलेंगे बोलो प्रीति जी, जितुनकर बोलिए बोलिए। 256 को प्रतरांगुल बोला है तो प्रतरांगुल का जो 256 पे घात लगाई है दो की, वो प्रतरांगुल का वर्ग हो गया, उपरिम वर्ग। और 256 के ऊपर जो चार लगाया है वो वर्ग का वर्ग, उपरिम वर्ग का उपरिम वर्ग हो गया, जो आचार्य श्री यहाँ जो कहना चाहते हैं वो। और अधस्थान में प्रतरांगुल के नीचे जाएंगे, 1/2 लिखा है जहाँ 256 को, वो अधस्थान प्रतरांगुल का अंगुल हो गया, अधस्तन होता गया, अंगुल अंगुल होते गए वो। आपने मतलब अच्छा पिकअप किया है, आप रोज आए के लिए हमारे, बहुत अच्छा आपका एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छा है। मैं सब समझ रहा था, अब मैं थोड़ा बताता हूँ, अब मैं टीचर बन जाता हूँ, अभी तक स्टूडेंट था, बन जाऊं टीचर, अब बन जाता हूँ। देखिए द्विरूप वर्ग धारा में तीसरा स्थान का नाम है 256, है ना। इस 256 तीसरे स्थान को लेकर हम द्विरूप वर्गधारा और घन धारा के स्थानों की उत्पत्ति करते हैं, उत्पत्ति का विधान कहते हैं। हमने क्या चयन किया, द्विरूप वर्गधारा में तीसरा स्थान 256 है। द्विरूप वर्गधारा हमारी कैसे होती है, 4, 16, 256। हमारा क्या एक्सरसाइज क्या मिला कि द्विरूप वर्गधारा का जो तीसरा वर्ग स्थान है 256, उसको आधार लेकर द्विरूप वर्ग धारा में और घन धारा में वर्ग स्थान की उत्पत्ति कर बतलाइए। ये प्रश्न हुआ क्या प्रवीणा जी आपके गणित कॉलेज का, प्रश्न क्या हुआ कि द्विरूप, प्रश्न ऐसे नहीं आएगा वहां पर क्या प्रीति जी? आप थोड़ा सा अगर रेगुलर रहेंगे ना तो आप टॉपर तो है ही, और टॉपर के टॉपर बन जाएंगे, क्योंकि पिकअप अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग सब है ना, देखो अपन ने क्या देखा, द्विरूप वर्ग धारा का 256 स्थान है, इसको लेकर आधार बनाकर द्विरूप वर्ग धारा और घन धारा के वर्ग स्थानों की उत्पत्ति का विधान बताइए। तो हम पहले चलते द्विरूप वर्ग धारा में, द्विरूप वर्ग धारा के 256 के अधस्तन भी होंगे और उपरीतन विकल्प भी होंगे। किसी भी वर्ग धारा में विवक्षित स्थान से आगे बढ़ने पर वह स्थान उस राशि का वर्ग हो जाता है और आगे वाला स्थान उसके वर्ग का वर्ग हो जाता है। तो हम 256 में थे तो उसका आगे वाला उपरीतन स्थान कौन सा हुआ, उपरीतन विकल्प हुआ 256 का दो, और उसके आगे का आगे क्या हुआ, 256 के चार। ये तो हो गया द्विरूप वर्ग धारा। अधस्तन में करेंगे तो कैसे करेंगे, 256 का अधस्तन, पहला अधस्तन स्थान कौन सा होगा कि प्रथम, 256 का प्रथम वर्ग बोलो, ये 256 के प्रथम वर्ग को 256 की घात 1/2 लिखते हैं। उसके बाद में उसके आगे का क्या होगा, नीचे का स्थान क्या होगा, और उतरेंगे तो होगा कि उसके दूसरा घन होगा, घनमूल 2 हो जाएगा, तो घनमूल 2 को क्या लिखेंगे, 256 की 1/4 लिखेंगे। इस तरह से द्विरूप वर्ग धारा में अधस्तन और उपरीतन स्थान की उत्पत्ति समाप्त हुई, ठीक है। 256 ही रहेंगे, उपरीतन विकल्प और अध्याय विकल्प में 256 ही रहेगा, है? क्या चीज, अध्याय विकल्प। अभी सुन लो आप पहले, अब घन धारा में आते हैं। तो घन धारा का नियम क्या है कि द्विरूप वर्ग धारा में जिस स्थान पर जो होता है उस स्थान का वहां पर घन आ जाता है। जैसे द्विरूप वर्ग धारा में 4 है तो नीचे का स्थान हो गया 4 का घन, 16 है तो 16 का घन, 256 का घन, पनटी का घन। लेकिन हमारे को यहाँ पर 256 को आधार बनाकर घन धारा के उपरीतन और अधस्तन विकल्प निकालने हैं। तो जो तीसरा स्थान है 256 द्विरूप वर्ग धारा में, उसका घन धारा में 256 का घन स्थान है। अब 256 के घन से उपरीतन स्थान जितने भी होंगे वे होंगे वर्गरूप होंगे, वर्गरूप होने से 256 के घन का आगे का वर्ग किया तो 256 की घात 6 हो गई, उसके आगे का किया तो 256 की घात 12 हो गई, उसके आगे का किया तो क्या आएगा उषा दोषी,
256 के बाद 48 आ जाएगी, 48 आएगी, उसके आगे क्या जाएगी 200 के बाद 96 आ जाएगी, 96 आ जाएगी। अब इधर नीचे उतरेंगे 256 के घन से क्या उतरेंगे, 256 के घन का प्रथम वर्ग, दो तीन तो ऑलरेडी है ही है, तो 3/2 हो गया, इसका क्या होगा 3/4 हो गया, आगे क्या होगा 3/8, आगे क्या होगा 3/16 हो गया, आगे क्या होगा 3/32 होगा। इसको कहते हैं उपरितन अर्धस्थन स्थान को कहते हैं। वास्तव में तो यही लेना था, आचार्य ने एक और इंटेलिजेंस का प्रयोग कर दिया कि जहां पर प्रतर था वहां पर उन्होंने प्रथम का प्रतर का प्रथम वर्गमूल नहीं कहकर उसको उन्होंने सूचंगुल कह दिया बस, और जहां पर घनांगुल था प्रतर घन था उसका प्रथम वर्गमूल नहीं कहकर उसको आचार्य ने घन पल्ल घन घन अंगुल कह दिया, क्या कह दिया उनको घन अंगुल, प्रकार से एक साथ दो उन्होंने मिलान कर दी। कोई बात नहीं, अपन ने बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत ही धैर्य बुद्धि से आज सभी ने जो है इसको समझा है, किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कठिन है, सबने लगा और आपने समझने का प्रयास किया, बहुत अच्छा लगा। अब आगे बढ़ते हैं, पढ़िए अब उषा दोषी घनागन धारा में, बस अंतिम लाइन है पढ़ लीजिए। अब घनागन में ग्रहित उपरिम विकल्प को बतलाते हैं, पत्रांगुल के संख्यात्मक भाग से पत्रांगुल के उपरिम वर्ग के उपरिम वर्ग को गुणित करके जो लब्ध आवे उसे से घनांगुल, क्या किया उन्होंने प बटा संख्यात किया, प्रतरांगुल का उपरिम वर्ग के उपरिम वर्ग कितना हो गया, प की घात 4 हो गई, उपरिम वर्ग का उपरिम वर्ग क्या हो गया, प के उपरिम वर्ग हुआ प की घात 2, उसके उपरिम वर्ग क्या हो गया, प की घात 4 हो गई, तो प की घात 4 हो गई गुणा किससे किया, प का संख्यात भाग, तो भागा में कितने प हो गए, 5 प हो गए, जो 4 तो हो ही गए और 5 प हो गए, 5 प बड़ी संख्या था, उसे किससे गुणा किया, घनांगुल से उपरिम वर्ग के वर्ग को गुणा करना पड़ा, तो घनांगुल का उपरिम वर्ग क्या होता है, प्रतरांगुल का घन होता है, प्रतरांगुल का घन होता है, और उसका वर्ग क्या, प का 6 किया तो प 6 आ गया, नीचे प के 5 है, 5 प कट गए, 1 प बचा और नीचे वाला संख्यात ऊपर चला गया, तो संख्यात प्रतरांगुल जो मिथ्या दृष्टि का वार काल आता है, ठीक है, उनको स्पष्टीकरण इस प्रकार है, पढ़िए उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, घनांगुल के उपरिम वर्ग के वर्ग का घनांगुल के उपरिम वर्ग के उपरिम वर्ग में भाग देने पर घनांगुल के उपरिम वर्ग का उपरिम वर्ग आता है, पुनः पत्रांगुल के उपरिम वर्ग के उपरिम वर्ग का घनांगुल के उपरिम वर्ग के उपरिम वर्ग में भाग देने पर पत्रांगुल उपरिम वर्ग का उपरिम वर्ग आता है, पुनः पत्रांगुल के संख्यात के भाग पत्रांगुल के उपरिम वर्ग के भाजित करने पर करने पर पंचेंद्री तिर्यंच योनिनी मिथ्या दृष्टि अव्यवहार काल आता है। कितना आएगा उत्तर कितना आएगा उषा दोषी, संख्यात पत्रांगुल, उत्तर तो बताइए ना, उत्तर कितना आएगा, संख्यात पत्रांगुल, बस आगे बढ़, उक्त भागार के, उक्त भागार के कितने अर्धछेद हो उतनी बार उक्त भज्यमान राशि के अर्धछेद करने पर भी पंचेंद्री तिर्यंच योनिनी मिथ्या दृष्टि अव्यवहार काल आता है, इसी प्रकार ऊपर जान कर ले जाना चाहिए, जाएंगे मतलब बाकी इस तरह से आप बढ़ते जाइए और लेते जाना चाहिए, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब अपने को पढ़ना है सूत्र नंबर 36 पढ़ना है, पढ़िए कौन पढ़ेंगे, कस्तूर जी पढ़ेंगे, शासन सम्मा इट्टी पौड़ी, साधन सम्मा इट्टी पौड़ी जाव संजदा संजदा ती ओकम, कस्तूर जी अपने को ये आधा पढ़ने का आपको सुधारना है, आपकी गणित बहुत अच्छी है, शासन सम्मा इट्टी पौड़ी, इट्टी पौड़ी प आधा बोलना चाहिए, इट्टी पौड़ी जाओ संध्या संध्या तिथि ओगम, पढ़ना उषा शासन सम्मा इट्टी, शासन सम्मा इट्टी पौड़ी, शासन सम्मा इट्टी पौड़ी जाओ संध्या संध्या ती ओगम, हाँ मैंने क्या बताया सबको, शासन सम्मा इट्टी आधा रुक जाना, और पौड़ी अलग है, इट्टी पौड़ी क्यों आधा प भी बोलना है पूरा प भी बोलना, शासन
माइटी पौड़ी जाओ संधा संधा की गम तासन सम्माइटी पौड़ी जाओ संधा संधा की गम प्रिय प्रवीणा जी सासन सम्माइटी पौड़ी उषा जी उषा जी केकड़ा जी बोलिए सासन सासन सम्माइटी पहुड़ी जाव संजदा संजदा ती ओघम बहुत बढ़िया बहुत बहुत सुंदर उच्चारण है आगे चलिए और कौन पढ़ना चाहेगा शाशवन पढ़ेंगे पढ़ो पढ़ो सासन सम्माइति पहुड़ी जाव संजदा संजदा ती ओघम बहुत बढ़िया एक है ना सब लोग पूरी एनर्जी से बोलो अपन चिना का भूतबली आचार्य के ना कोई सारे संसार के दुखों को भूलकर भूतबली आचार्य के सूत्र का आनंद लीजिए ये कही अपन पढ़ रहे मैथमेटिक्स पढ़ रहे तो आप लोग की उम्र अभी 12 साल 14 साल से ज्यादा नहीं है आप हिमसुंडा के 60 साल के हो गए आप अपनी उम्र को कितना मानो 12 साल 15 साल के जैसे कॉलेज याद करो कॉलेज में जाते थे ना तो वही तो पढ़ रहे अपन तो आप लोगों की सबकी उम्र कितनी है मुग्धा जी 15 साल की है तो आवाज तेज होनी चाहिए और तभी गणित का आनंद आएगा एकदम आनंद लो ना सर में पढ़ते हो आपको ऐसा लगना चाहिए हमको कोई हम पूछ सकते हैं कि 15 साल की अशोका जी बड़ी बड़ी है सासन सम्मा इट्टी पहुड़ी दाव संजदा संजदा ती ओघम बहुत बढ़िया बहुत बहुत अच्छा पढ़ा चलो और कौन पढ़ेगा हमारे मुकेश भाई साहब आप भी 15 साल के हो गए चलो बड़ो मुकेश भाई सासन सम्मा इति पोहणी जाव सज्जदा सज्जदा ती ओगम बहुत बढ़िया आप तो आप सोचते कि आपको नहीं आप तो प्राकृत पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया प्राकृत पढ़ रहे हैं संजय जी आप पढ़िए सासन सम्मा इति पोहणी जाव सज्जदा सज्जदा ती ओगम आप लोगों सबका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो गया आधा पा बोलने का मुग्धा जी हो गया ना काफी अच्छा बोल रहे हैं मतलब अभी मतलब सभी लोगों को मतलब बधाई है मतलब कि आप लोग ये संयुक्त अक्षर का बोलने का जो है एक कई कई बार अपना अटकते लेकिन संयुक्त अक्षर का जो है बोलने का आप लोगों ने बहुत मतलब जो मेहनत की बहुत अच्छा है चलो इसको थोड़ा पढ़ लेते आगे अब हिंदी पढ़ेंगे मुकेश जी चलो पढ़ो मुकेश जी आगे हिंदी में पढ़ो शासन सम्यक मिथ्या दृष्टिकोण स्थान से सम्यक दृष्टि शासन सम्यक दृष्टि गुणस्थान से लेकर संयता संयत गुणस्थान मुग्धा जी आप पढ़ो चलो मुग्धा जी को आज पढ़ने में मैं पढ़ू जी मैं पढ़ू आप पढ़ो पढ़ो शासन सम्यक दृष्टि शासन सम्यक दृष्टि गुणस्थान से लेकर संयता संयत गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान में पंचेंद्रीय तिरंज योनिनी जीव तिरंज सामान्य त्रिपुणा के समान पल्लियोपम के असंख्यात विभाग है उषा तो अच्छे समझाइए एक मिनट समझाइए उषा तो 36 नंबर का सूत्र समझाइए मतलब शासन सम्यक दूसरे गुण स्थान से लेकर पांचवे गुण स्थान तक के प्रत्येक गुण स्थान में पंचेंद्रिय तिरंज योनिनी जीव तिरंज मतलब तिरंज सामान्य परूपणा के समान है पल्लियोपम के संख्यात विभाग जो कि पल्लियोपम के असंख्यात विभाग है जो पहले बताया था ना कि मतलब पांचवे गुण स्थान का है इनका दूसरे गुण स्थान से पांचवे गुण स्थान तक तो परूपणा के समान है मतलब पूरी इसमें परूपणा कस्तूरी जी आप बताइए समझाइए साधन सम्यक दृष्टि से लेकर संयता संयत पांचवे गुण स्थान तक के मिथ्या दृष्टि गुण स्थान तक के त्रियंच योनिनी के सामान्य परूपणा समान पल्लो का असंख्यात भाग प्रमाण द्रव्य प्रमाण है ठीक है लेकिन मुझे जो सुनना वो नहीं आंसर आ रहा बोलो समझाओ कौन सा मुद्दा जी बताओ साधन गुण स्थान से लेकर संयता संयत यानी 2, 3, 4, 5 ये चार गुण स्थान है उसमें द्रव्यार्थिक ने की अपेक्षा देखो तो पल्लोपम के असंख्यात भाग योनिनी तिर्यंश जीव है और पर्यायार्थिक की अपेक्षा से देखो तो सब में अलग अलग संख्या आएगी प्रोफेसर की तरह से बताए बहुत अच्छा है ये थोड़ा सा आपको प्रोफेसर में और थोड़ा सा और इम्प्रूव करना बहुत अच्छा है मतलब ऐसे ही बताना चाहिए देखो इसका कैसे बताना चाहिए
एक ध्यान रखना उषा दोषी जी, यहाँ क्या लिखा, सासादान गुणस्थान से संयता सहित गुणस्थान, यह नाम लिखे। तो जब टीचर पढ़ाता है ना तो यहाँ नाम लिखे तो आपको नंबर बोलना है, यहाँ नंबर लिखे तो आपको नाम बोलना है, एक ध्यान रखना है। ये तरीका होता है समझाने का, टीका करने का, कि दूसरे सासादान सम्यक दृष्टि यानी दूसरे गुणस्थान से लेकर संयता संयत यानी पांचवें गुणस्थान तक, यानी इन चारों गुणस्थान में दूसरे तीसरे चौथे और पांचवे, थोड़ा जी ने बहुत उसका प्रयास किया है, थोड़ा सा और बढ़ा रहे। सासादान सम्यक दृष्टि गुणस्थान से लेकर यानी दूसरे गुणस्थान से लेकर संहिता सहित गुणस्थान यानी पांचवें गुणस्थान तक, प्रत्येक गुणस्थान में यानी दूसरे में तीसरे में चौथे में और पांचवे में पिरंज तिरंज योनिनी जी तिरंज सामान्य प्ररूपणा के समान है, कि जैसा हमने तिरंज सामान्य की जो बताई थी उसके अनुसार पल्ल्योपम के संख्यात्वे भाग है। ये बहुत अच्छा नीचे उन्होंने बताई दिया है कि द्रव्यार्थिक नयिका लेकर पढ़ो उषा दोषी, इसको द्रव्यार्थिक नयिका आश्रय लेकर पढ़िए। द्रव्यार्थिक नयिका आश्रय लेकर सासादान सम्यक दृष्टि आदि गुणस्थान पंचेन्द्र तिरंज तिरंज योनिनी जीवों की परूपना तिरंज सामान्य परूपना के समान है, परंतु पर्यार्थिक नयिका अवलंबन करने पर तिरंज सामान्य परूपना अथवा पंचेन्द्र तिरंज पर्याप्त सामान्य परूपना के समान पंचेन्द्रीय तिरंज योनिनी गुणस्थान प्रतिपन्न जीवों की परूपना नहीं होती है, क्योंकि तीनों वेद वाली राशि से एक स्त्री वेद जीव राशि की समानता नहीं बन सकती है। पन्ना क्या बताए समझाएंगे आप कि द्रव्यार्थिक नय से लेकर यानी कि सासादन सासादन सम्यक दृष्टि आदि गुणस्थान वर्ती पंचेन्द्र तिरंज के तिरंज योनि की जीवों की परूपणा तिरंज सामान्य परूपणा के समान है, परंतु पर्यार्थिक नय का अवलंबन करके तिरंज सामान्य परूपणा अथवा पंचेन्द्र तिरंज पर्याप्त समान परूपणा के समान पंचेन्द्र तिरंज योनि गुणस्थान वर्ती प्रतिपन्न जीवों की परूपणा नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे वो तीनों वेद में वाली बात हो रही है तो स्त्री वेद जीव राशि समान नहीं बन सकती है। हाँ यही पॉइंट पकड़ना था पूरे पैराग्राफ पे मैं जो पढ़ना कि यहाँ पर जो पूरे बता रहे हैं कि तीन वेद के बराबर एक वेद कैसे हो सकता है, ये आपने बहुत बताया, और एक वेद मतलब तिरंज योनिनी कहा तो किसकी बात कर रहे हैं, स्त्री वेदी की बात, और जो सामान्य में कहा तो कितने वेद आ गए थे, तीनों वेद हो गए थे, तो तीनों वेद की परूपणा और एक वेद के बराबर कैसे हो सकती है, ये कौन से नए की बात कर रहे हैं, पर्यार्थिक नए से, लेकिन द्रव्यार्थिक नए से एक क्यों बोला, सभी की पल्ले के असंख्यात द्रव्य है ना, वो सभी द्रव्य सामान्य, उन्होंने सामान्य तिरंज योनि नहीं योनि है ना, नहीं देखो ऐसा है, बताओ द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा इसलिए कहा कि है पल्ल्योपम का असंख्यात्व भाग ही, पल्ल्योपम के असंख्यात्व भागत्व की अपेक्षा क्या सामान्य तिरंज तीनों वेद वालों में और तिरंज योनिनी में कोई अंतर नहीं, किसमें पल्ल्योपम के असंख्यात्व भाग पर, इसको थोड़ा सा मुझे 99 के बीच में जाएंगे, लेकिन इसको मैंने एक उदाहरण से समझाया था मुकेश भाई को जो जानना है, मैंने एक उदाहरण बताया था कि सामान्य से बात करें कि बंबई में कितने करोड़पति हैं, क्या पूछा बंबई में कितने करोड़पति हैं, तो कितने करोड़पति हैं, तुमने बोला कि 50 करोड़पति, मतलब ज्यादा होंगे बंबई में तो 500 होंगे, चलो 5000 भी हो सकते हैं, 5000 करोड़पति हैं, कितने हैं 5000 करोड़पति बंबई में है, लेकिन अब उसमें पूछे कि सभी करोड़पति के समान है क्या, नहीं है, क्योंकि 10 है, किसी के 10 करोड़ वाले हैं, कोई 90 करोड़ वाले हैं, कोई 50 करोड़ वाले हैं, कोई 40 करोड़ वाले हैं, कोई 30 करोड़ वाले, तो पर्यार्थिक नहीं से बात करें तो कितने कहेंगे कि 10 करोड़ वाले इतने हैं, 50 करोड़ वाले इतने हैं, 70 करोड़ वाले इतने हैं, और अलग अलग भेद से कर बात करेंगे तो वो बात आ जाएगी, या यू कहो वेदों में हमने ये पूछा कि बंबई में कितने हैं और फिर पूछा जैनी करोड़पति कितने हैं, तो वो बात अलग हो जाएगी, तो सामान्य भी करोड़पति थे और जैनी वाले भी करोड़पति थे, लेकिन जैनियों के पास पैसा नहीं था क्योंकि वो दान वान बहुत देते हैं और बाकी लोग नहीं देते, इसलिए उन्होंने कहा, लेकिन ओम की अपेक्षा से कोई नहीं है कि वो जो है वो भी करोड़पति में आते,
यहाँ पर इस पूरी टीका का जो सार था वो ये था कि इस यहाँ वेद मार्गणा को लेकर उन्होंने आधार बनाया। किसको बनाया? वेद मार्गणा। द्रव्यार्थिक नहीं और पर्यार्थिक नहीं की जो मीमांसा की वो वेद मार्गणा को आधार लेकर किया, अन्यत्र नहीं करे। क्यों कर रहे? क्योंकि यहाँ पर तिरंज योनिनी की बात थी इसलिए उन्होंने उसको आधार लेकर किया। चलिए आगे का पढ़ लीजिए, थोड़ा जोर ले गया। बढ़िया आगे का। इसलिए इसलिए सामान्य परोपना से नेक्स्ट पेज है आपका, उसका 238। इसलिए सामान्य परोपना से यह परोपना विशेष होना चाहिए। आगे उस विशेष को पूर्व आचार्यों के अविरुद्ध उपदेशों के अनुसार बतलाते हैं। वह इस प्रकार है, पंचेंद्र तिर्यंच पर्याप्त असम्यक दृष्टि संबंधी असह्य सम्यक दृष्टि संबंधित अव्यवहार काल को आवली के असंख्यात में भाग से गुणित करने पर पंचेंद्र तिर्यंच योनिनी असह्य सम्यक दृष्टि अव्यवहार काल होता है। रुकेंगे, क्या किया उन्होंने? चौथे गुणस्थान वाले को लिए उन्होंने, अपर्याप्त को नहीं लिए क्योंकि तिरंज में अपर्याप्त गुणस्थान वाले दूसरे गुणस्थान में आएंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं, चौथे गुणस्थान में होंगे ही नहीं है क्योंकि प्रथम अंधारा कभी छठ भू ज्योतिषवान भवन क्षण नारी थावर विकल्प त्रय में नहीं उपजत सम्यक धारी। तो तिरंज योनिनी की बात कर रहे हैं तो अपर्याप्त अवस्था में तिरंज योनिनी नहीं मिलेगा आपको, मैंने स्त्री वेदी के साथ में नहीं मिलेगा, समझे? नहीं मिलेगा। क्या बोला मैंने यहाँ पर? उन्होंने किसको बोला? पंचेंद्री ये थोड़ा याद रखना चाहिए, छड़ाला पड़ी है ना, लेकिन यहाँ पर अपने अपने को याद नहीं रखेंगे ना प्रवीणा जी तो मजा नहीं आएगा। पंचेंद्री पर्याप्त का सम्यक दृष्टि का कौन सा गुणस्थान लिया? चौथा गुणस्थान लिया। निकालना किसका? इसको तिरंज योनिनी में जन्म तो नहीं लेते हैं लेकिन तिरंज योनिनी वहां पर जो जन्मी है वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकती है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो उनको निकालना है तिरंज योनिनी का अव्यवहार काल। तो इन्होंने क्या किया कि अब हमें पता था कि पंचेंद्री पर्याप्त का तिरंज का अव्यवहार काल में पता है तो तिरंज योनिनी का अव्यवहार काल कैसे निकालेंगे? पहले ये तो डिसाइड करें अव्यवहार काल बड़ा होगा कि छोटा होगा। छोटा कैसे होगा? बड़ा होगा तभी तो संख्या कम होगी। जो तीन वेद वाले यहाँ केवल स्त्री वेद की संख्या निकालनी है, वहां तीनों वेद की थी तो किसी भी संख्या निकालनी तो हमको उस संख्या से छोटा आएगा। जिस संख्या पर्याप्त निकाल रहे थे उससे संख्या कम है तो इसका अव्यवहार काल बड़ा होना चाहिए। अव्यवहार काल बड़ा करने के लिए उन्होंने क्या किया आप पढ़ के बताइए, उसी में से उत्तर मैं नहीं दूंगा, आप लोगों को टीचर बनना है, स्टूडेंट में हूँ। पढ़िए क्या किया उन्होंने? हाँ, गुणा किया। गुणा क्यों किया? क्योंकि भागार को बढ़ाना था। भागार को बड़ा क्यों था? कि उनकी संख्या कम है। किससे कम है? पंचेंद्री पर्याप्त जो तिरंज सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वाले हैं उससे उसकी संख्या है। क्या लिखा उन्होंने आचार्य ने? पंचेंद्री तिरंज पर्याप्त सही सम्यक दृष्टि संबंधित अव्यवहार काल को आवली के भाग से गुणित करने पर पंचेंद्री तिरंज योनिनी का असत का अव्यवहार काल आता है। आगे पढ़ो। उसे आवली के असंख्यात के भाग से गुणित करने पर पंचेंद्री तिरंज योनिनी सम्यक मिथ्या दृष्टि अव्यवहार काल होता है। उसे संख्या से गुणित करने पर वही पंचेंद्री तिरंज योनिनियों में सासाधन सम्यक दृष्टियों का अव्यवहार काल होता है। उसे आवली के असंख्यात में भाग से गुणित करने पर पंचेंद्री तिरंज योनिनी संयता संयत अव्यवहार काल होता है। इन अव्यवहार कालों के द्वारा खंडित आदि का कथन सामान्य तिरंजों के खंडित आदि के कथन के समान है। अभी आचार्य ने का बहुत बार कर लिया है तो उनसे खंडित आदि का विधन है और ना मैं भी कराऊंगा, नहीं तो आपको बोलूंगा मुग्धा जी बताइए खंडित द्विलित भाजित। उन्होंने कह दिया कि जैसा पहले किया उसी के समान ये है। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर हमारी कौन सी मार्गणा चल रही है? पहले हम भूल तो नहीं गए कौन सी मार्गणा चल रही है? योनिनी की मार्गणा। उसमें सूत्र नंबर कौन सा चल रहा है? 36।
उसमें किसकी बात चल रही है? तिरंजीवनी में दूसरे गुणस्थान से लेकर पांचवें गुणस्थान तक की संख्या चल रही है। उसकी संख्या के लिए आचार्य ने पहले तो बताया कि सामान्य के सामान्य द्रव्यार्थिक नहीं से उपर्यार्थिक नहीं से उसका विशेष है। तो शंकाकार ने पूछा विशेष क्या है, उसको समझाने के लिए उन्होंने अव्यवहार काल की बात को उठाया। इस अव्यवहार काल में जो बात बताई है ये पूरी 200 पेज में इस तरह से निकाल कर आने वाली है। कोई मुझे बताएगा अशोका जी कि क्या बताया? तो मैंने आपको बताया था 432 का एक फार्मूला याद रखना। क्या याद रखना? 432 का। लेकिन यहाँ पर जो है उन्होंने छोड़ आगे लगा देना क्योंकि तिरंज गति है, आगे पांच लगा देना। पांच है, तीन दो पांच, चार तीन दो पांच। और ये भी बताया था हर जगह तीन से दो आने में संख्यात गुणा करना, बाकी जगह से संख्या आता, हर जगह पर पांच दिख रहे हैं। हर जगह तीसरे गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में आने में संख्यात को लेना है, बाकी सब जगह असंख्यात लेना। मतलब दूसरे से पांचवे में भी असंख्यात है, चौथे से तीसरे में भी असंख्यात है, केवल तीसरे से दूसरे में आने में संख्यात है। गुणाकार के रूप में संख्यात गुणा है। ठीक है, एक बार हमारे कोई भी पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे? मंजुला जी पढ़ लेंगे, पढ़ सकते हैं क्या मंजुला जी? देखिए अगर पढ़ सकते हैं तो फिर से पढ़िए। पंचेंद्री तिरंज पर्याप्त, पंचेंद्री तिरंज पर्याप्तो में, यहाँ कही ना ये असही सप्तदशी अवार काल को दूसरी लाइन शंका शंका नहीं शंका नहीं पढ़ना, ये ऊपर की दूसरी लाइन दृष्टि वह इस प्रकार है। पंचेंद्री तिरंज पर्याप्त असंयत सम्यक दृष्टि संबंधी अवहार काल को आवली के असंख्यात में भाग से गुणित करने पर पंचेंद्री तिरंज योनिनी असंयत सम्यक दृष्टि अवहार काल होता है। ये पॉइंट नंबर वन हुआ, मतलब जिन्होंने क्या लिखा, तिरंज योनिनी का चौथे गुणस्थान का अवहार काल निकाला, वो सामान्य के अवहार काल में आवली के असंख्यात भाग से गुणा करके निकला। अब पॉइंट नंबर दो, चौथा गुणस्थान हो गया था, कौन सा आएगा? 432 तीसरा गुणस्थान आएगा। तो दूसरा में क्या हुआ, उसे आवली के असंख्यात में भाग से गुणित करने पर पंचेंद्री तिरंज योनिनी सम्यक मिथ्या दृष्टि अवहार काल होता है। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि पॉइंट नंबर तीन में चौथे से आए थे तीसरे गुणस्थान पर आए, एक बात तो ये है, और दूसरा गुणाकार कितना बनाया उन्होंने, आवली का असंख्यात है। लेकिन जब आप तीसरे से दूसरे पर जाएंगे तो उसे संख्यात से गुणित करने पर, ये हर जगह आने वाला है, पूरी पुस्तक के अंदर हर जगह उसे गुणित करने पर वही पंचेंद्री तिरंज योनियों में साधन सम्यक दृष्टियों का अवहार काल होता है। ये संख्यात से गुणा किया उसको तो साधन सम्यक दृष्टि से अवहार काल आया। उसे आवली के असंख्यात में भाग से गुणित करने पर पंचेंद्री तिरंज योनिनी संयता संयत अवहार काल होता है। यह असंख्यात का भाग लाया से गुणित किया। इन अवहार कालों के द्वारा खंडित आदि का कथन सामान्य तिरंजों के खंडित आदि के कथन के समान है। पढ़ लीजिए अशोका जी, आगे जरा पढ़िए, शंका समाधान पढ़ लीजिए। पंचेंद्रिय तिरंज पर्याप्तों में पुरुष वेदी असंयत सम्यक दृष्टि जीव राशि से वहीं पर स्त्री वेदी असंयत सम्यक दृष्टि जीव राशि असंख्यात गुणहीन किस कारण से है? तो समाधान, पुरुष वेद की अपेक्षा अप्रशस्त स्त्री वेद के उदय के साथ प्रचुर रूप से दर्शन मोहनी के क्षयोक्षम का अभाव है। चलिए समझाइए उसे दोषी। यहाँ पर पुरुष वेद की अपेक्षा अप्रशस्त स्त्री वेदी के उदय के साथ प्रचुर रूप से दर्शन मोहनी की क्षयोक्षम का अभाव है। देखो यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा गया, प्रश्न क्या पूछा गया, शंका में क्या पूछा गया? पंचेंद्र तिरंज पर्याप्त ने पुरुष वेदी असंयत सम्यक दृष्टि जीव राशि से वहीं पर स्त्री वेदी असंयत सम्यक दृष्टि जीव राशि संख्यात गुणहीन किस कारण से होती है? ये शंका का अपन ने तभी अवार काल पढ़ा था। हाँ। तो शंकाकार तो हम जैसा ही है, उसने ऐसा प्रश्न कैसे पढ़ लिया? क्योंकि शंकाकार वो आचार्य नहीं है, शंकाकार तो हम जैसा है। क्या प्रीति जी? शंकाकार हमारा जैसा है।
अभी तक अपन ने क्या पढ़ रहे थे, अवार काल से। आप देखो कि ये शंका आपको उठती नहीं उठती है, नहीं उठती तो वीरसेन आचार्य को नमस्तो नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि शंका, हमें उत्तर नहीं मांग रहे, हमें शंका नहीं आई। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने पंचेंद्री पर्याप्त चौथे गुणस्थान की बात की थी, किसी पंचेंद्री पर्याप्त की, और उससे उन्होंने अवार काल को असंख्यात से अवनी के असंख्यात भाग से गुणा किया और बोला कि तिरंजी योनिनी का चौथा गुणस्थान आ गया। अब अवार काल बड़ा हो गया तो तिरंजी योनिनी की चौथे गुणस्थान की संख्या कम हुई कि ज्यादा हुई? कम हो गई, क्योंकि भागा बढ़ गया है, भागा बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं। तो अब शंकाकार पूछता है कि पुरुष वेदियों से स्त्री वेदियों की संख्या कम कैसे हो गई? हमने तो सुना था एक देव की 32 देवांगना होती है, और आप तिरंजियों पे तो आप कुछ और ही बता रहे हैं। वहां तो हमने अभी भी सुन के आ रहे थे, क्योंकि अपन बात कर रहे थे ना कि देवों से देवांगना बड़ी होती है, ज्यादा होती है, तो यहाँ पर तो आप बोल रहे हैं कि तिरंजी योनिनी कम है। ये प्रश्न उसने पूछा। किसने पूछा? हम जैसे शंकाकार ने, मतलब हम जैसे लोगों की बुद्धि ने पूछा है। क्या प्रवीणा जी उसका उत्तर क्या दिया? अब उत्तर पढ़ो और उसका उत्तर समझाओ। उषा दोषी फिर से पढ़ो, उत्तर पढ़ो और समझाओ। ओपन बुक है, समाधान 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 पुरुष वेद की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? अप्रशस्त स्त्री वेद के उदय के साथ। किस वेद को अप्रशस्त का? प्रशस्त मतलब पाप वाला, प्रशस्त मतलब पुण्य वाला। पुरुष वेद की अपेक्षा स्त्री वेद को क्या कहा उन्होंने? उसके साथ में क्या? उदय के साथ प्रचुर रूप से शम का अभाव। मतलब क्या कहना चाहते हैं आचार्य? कि ऐसा नहीं है कि तिरंजी योनिनी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सके, लेकिन जिनके स्त्री वेद होते हैं वो भी तिरंजियों में, और हमने पढ़ा तिरमाया तिरंग योनस्य, मतलब तिरंज योनियों में, और तिरंज योनिनी की बात कर रहे हैं। तो पुरुष वेद की अपेक्षा तिरंज वेद जो है, स्त्री वेद है, वो अप्रशस्त है, और उसके अंदर यद्यपि सम्यक दर्शन को प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन प्राप्त करने के चांस कम है। अभावी कहा यहाँ पे दर्शन होने की आपको समझ में आता है कि यहाँ पर खाना बनाना पड़ता है, भाई साहब तो भाई लोग तो भाई गुरुदेव जी के प्रवचन में पूरा बैठ जाते हैं, फिर घर पर आके थाली खोल लेते हैं, तो हमको तो भाई जल्दी आना पड़ता है, हम तो घर पर ही सुन लेते हैं, ऐसा बोलते होंगे मुग्धा जी, बोलते ना बोलते कि भाई आप भाई लोग तो चले जाते हैं गुरुदेव जी का प्रवचन करने के, और वहां से आए तो सीधे थाली लगाते हैं, तो थाली लगाएंगे तो कोई हम उसके ऊपर चूल्हे के ऊपर बैठ तो नहीं जाएंगे, तो हमको तो भाई घर पर ही हम जो है कर लेते हैं, ऐसे आप लोग बोलते हैं, है ना? ठीक है ना अशोका जी, ठीक है ना? बिल्कुल सर। तो हमको तो उनको चांस कम हो गया, मतलब स्त्री वेदियों के साथ में, मतलब भावों के कारण या लेना, भाव की अपेक्षा से मुख्य लेना, मतलब भावों की अपेक्षा। ऐसा नहीं कहा कि नहीं हो सकता, क्यों? कि आचार तो कहता है सातवें नरक का नारकी भी प्रतिकूल अवस्था में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता, नहीं प्राप्त कर सकता ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये बात है, हमारे प्रीति जी तो कहेंगे कि देखो पुरुषों ने प्राप्त कर लिया तो कोई बात नहीं है, स्त्रियों के चांसेस कम थे, लेकिन हमने तो यहाँ पर ऑनलाइन स्वाध्याय फर्द धवला जी का तीसरा पुस्तक का किया है, तो ये तो बड़ी बात हो गई। नहीं, चांसेस कम होते हैं और कर लेते हैं, तो प्रीति जी उसको पॉजिटिव में लेके कैसे बोलेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं है, आचार्य बोलते हैं बात भी सही है कि पुरुष वेद जो है प्रशस्त है, स्त्री वेद अप्रशस्त है, लेकिन फिर भी हम लोग तो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। महिमा ज्यादा हो गई ना, ये महिमा ज्यादा हो गई, हमारे प्रीति से इस तरह से महिमा को बढ़ा देंगे, ठीक है ना? लेकिन अभी यहाँ पर जो बात होता है कि संख्या को कम है, यहाँ संख्या क्यों कम है उसका कारण उन्होंने बता दिया। समझ आ गया? तो ये सिर्फ पढ़ना पढ़ना ही रह जाएगा। अब 2 मिनट आप लोग दे रखिए एक शंका और पढ़ के, ताकि कल से नया सूत्र चालू करेंगे। पढ़िए अशोका जी, पढ़िए। यदि ऐसा है तो, यदि ऐसा है तो उन्हीं पंचेंद्रीय तिरियंचों में स्त्री वेदी असंयत सम्यक दृष्टि जीव राशि से स्त्री वेदियों से भी वहां के अत्यंत अप्रशस्त नपुंसक वेदी असंयत सम्यक दृष्टि जीव राशि के असंख्यात गुणी हीनता प्राप्त हो जाती है। समाधान, स्त्री वेदियों से नपुंसक वेदियों के असंख्यात गुणी हीनता प्राप्त होती है तो हो जाओ,
क्योंकि ऐसा स्वीकार कर लेने में कोई विरोध नहीं आता है। समझा देता हूँ, फिर पंचेन्द्रिय तीनों वेद वाली सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव राशि से पंचेन्द्रिय त्रियंच योनिनी और संयत सम्यक दृष्टि जीव राशि क्या समान है या संख्यात गुणी है या असंख्यात गुणी है या संख्यात गुणीहीन है या संख्यात गुणीहीन है या विशेषाधिक है या विशेषहीन है इत्यादि रूप से इस काल में कोई उपदेश नहीं पाया जाता है। मतलब वो आगे के गुणस्थान का कोई उपदेश में पता नहीं है, क्योंकि हमको तो प्रथम नायक बिन वाला याद था इसलिए वेदी को तुझे बता दिया, आगे के काम है मतलब ऐसा उपदेश हमको वर्तमान में प्राप्त नहीं है। लेकिन पहली शंका के बाद अपना आज का स्वाध्याय समाप्त हो गया, एक मिनट और ले रहा हूं मैं आपका, कि पहली शंका में क्या बताया था कि पुरुष वेदी से स्त्री वेदी कम है, तो शंकाकार ने क्या शंका पूछी दूसरी शंका में, दूसरी भी उसे नपुंसक वेदी के लिए दूसरी शंका में नपुंसक वेद की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं ये दूसरी शंका, और अधिक अप्रशस्त भाव होते हैं और असंख्यात गुणी हिंता को प्राप्त होते हैं। देखो मैं बता समझा देता हूँ अपना अंत का चल रहा है कि जब आचार्य ने कहा कि स्त्री वेदी चौथे गुणस्थान वाली तिरंच योनिनी की संख्या क्यों कम है, क्यों उन्होंने बोला कि पुरुष वेद प्रशस्त है या अप्रशस्त है, इसके अंदर चांसेस बहुत कम है, तो शंकाकार ने फौरन कहा ठीक है लेकिन मुझे तो पता है कि नपुंसक वेद तो और भी ज्यादा हीन है, स्त्री वेदियों से भी ज्यादा हीन है, वहां तो और भी कोई चांसेस बहुत कम होने चाहिए, मतलब जैसे पुरुष वेद से स्त्री वेद में चांसेस कम है ऐसे स्त्री वेद से नपुंसक वेद में और चांसेस कम है, क्योंकि नपुंसक वेद को कैसे बोला ईट की अग्नि के समान है ना, और इसको बोला स्त्री वेद को कैसे बोला कंडे की अग्नि के समान, और पुरुष वेद को कैसे बोला तृण की घास के तृण की, बहुत बढ़िया याद आता है ये अच्छा है तो याद रखते हैं बहुत अच्छा, किसने बोला तृण ये अच्छा तैयार हो गया आपके साथ पृथ्वी के साथ तैयार हो गए ना, ये याद हो जाना चाहिए। ये देखो जो तीसरी पुस्तक सबको कठिन लगती थी हमारे उषा दोषी और ये अशोका जी को सरल लगने लगी, तो गणित समझने का प्रयास मत करो, गणित में क्या भाव वासन आया है वो ही समझाओ। जैसे मैंने बोला हमको क्या याद करना देवों का वार काल कितना होता है, ज्योतिषी देवों का वार काल कितना होता है कि पनेटी प्रमाण प्रमाण बोलो होता है, इसको हमें कहाँ याद करना है कि ज्योतिषी देवों के अकृत्रिम चैतन्यों की संख्या निकालने में, ज्ञान ज्ञान मंत्र का कितना होता है कि जगत पत्र को 300 योजन के वर्ग से भाग देना, इसका हमें कहाँ प्रयोग करना है कि इससे हमारे को यंत्र के अकृत्रिम चैतन्यों की संख्या है, तो कैसे बोलेंगे प्रीति जी, क्योंकि आप अब बहुत इंटरेस्ट लेने में बताऊंगा कि तीन कम लोग इतने अकत्र चैतन्य कितने हैं 8 करोड़ 56 लाख हमने तो धौला पुस्तक तीन का भी स्वाध्याय कर लिया है, इसलिए इनके अलावा ज्योतिषी और व्यंतरों के भी अकृत्रिम चैत्यालय है उनको भी हम चलाते हैं, और हमें तो पता है धौला पुस्तक तीन के कारण कि ज्योतिषी देवों में जो अकृत्रिम चैत्यालय है उनकी संख्या कितनी है, कि जगत प्रतर को पनट्टी के प्रमाण से पनट्टी प्रमाण अंगुल से भाग देने पर पनट्टी प्रमाण प्रत्रांगुल से भाग देने पर जो संख्या आए उसके कुछ संख्यात भाग प्रमाण है, और उनमें एक एक में 108 तीर्थंकर विराजमान प्रतिमाएं विराजमान है, हम यहाँ पर हाथ जोड़कर उनको नमस्कार करते हैं। हमें यह भी पता है कि व्यंतरों के भी असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय है, उनकी संख्या निकालने के लिए हमने धौला पुस्तक तीन के स्वाध्याय में ये जान लिया है कि वो अकृत्रिम ज्योतिषी देवों के अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या कितनी है, तो जगत पत्र को 300 योजन के वर्ग से भाग देने पर जो संख्या आती है उसके संख्यात भाग है, उनमें हरेक में 108 विराजमान है, उन अकृत्रिम व्यंतर देवों के अकृत्रिम चैत्यालयों को भी हम नमस्कार करते हैं। मतलब आप अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना कर सकते हैं, और मैं बता रहा हूं चाहे बात हो या नहीं हो, लेकिन मैंने प्रथमान योग के शास्त्र में पढ़ा है मुग्धा जी के तीनों समय मतलब प्रातः मध्यान और सायंकाल चारों दिशा में खड़े होकर अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करने से भी
सामायिक का आपको जो है लाभ मिलेगा, मतलब ये एक तरह की सामायिक हो गई। क्या हो गई आपके? सामायिक हो गई। सुबह उठकर पूर्व दिशा में मुंह कर जो मैंने बोला ना कथन जता लेके, और अगर आप तीसरी धवला पुस्तक तीसरों को याद करेंगे तो आप सबको करेंगे, नहीं तो फिर 8,56,97,000 को कर देंगे, और ज्यादा प्रतिमाएं तो ज्योतिषी और वेंतर की है तो आपका नमस्कार पूरा नहीं पहुंचेगा। पूरा नमस्कार तो कब पहुंचेगा? धवला पुस्तक तीन के स्वाध्याय करने वाले को ही पहुंचेगा, तो आपको पूरा का पूरा बोलना पड़ेगा। और ये बोला है कि तीनों काल में मतलब जो है कृत्रिम चैतन्यों की वंदना चारों दिशाओं में घूमकर दिग्व्रत कर फिर अपने स्थान पर मतलब जो भी है ना नमस्कार मतलब आवर्त लगाते हैं, 12 आवर्त लगाए, फिर जहां पर वहां पर धूप दे दिया, इस प्रकार से क्रिया कर्म हो गया, और उसके बाद में आकर अपने स्थान पर बैठकर आप थोड़े समय के लिए भी अगर कुछ भी बोले और ध्यान लगा ले तो आपके सामायिक हो जाएगी। सामायिक में यद्यपि ये तो कहा जाता है कि 48 नियम की सामायिक होती है, बात सही है 2 घड़ी की, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप 15 मिनट की या 20 मिनट की नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कैसे बताया किरण जी भाई साहब के सामायिक की प्रतिमा में जो पाठ है क्या उसमें आया जाओ नियमम, मतलब जितने काल तक मेरा नियम है, जाओ नियमम ताव कायम पाव कम्मम दुचिरम विश्रामी, वहां पर ऐसा लिखा जाओ काल, मतलब जितने काल तक नियम लिया है उतने काल तक की मेरी सामायिक है। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कम करनी चाहिए, आपको 48 मिनट करनी चाहिए, आप ज्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि सामायिक में ऐसा गिनती नहीं है कि आपने 48 मिनट की और आपने 96 की तो कितनी सामायिक हो जाएगी? 2 सामायिक, एक सामायिक की होगी। जैसे आपने एक दिन का उपवास किया और दूसरे दिन भी आपने खाना नहीं खाया तो कितने दिन का उपवास हो गया? 2 दिन हो गया, वहां गिनती होती है उपवास में, गिनती होगी। मतलब चालू कैसे होगी वहां पर उपवास में गिनती? चतुर्थ भक्त है, छठम भक्त है, है ना, अष्टम भक्त है। देखो हमारे उषा जी को जैन को याद आ गया, कैसे हुआ चतुर्थ भक्त से क्यों 2 से शुरू नहीं होती है? कैसे होती है चतुर्थ भक्त? कैसे एक टाइम खाएंगे फिर दूसरे दिन दोनों टाइम नहीं खाएंगे फिर तीसरे दिन एक टाइम खाएंगे? हाँ, मतलब जैसे अपने को अष्टमी का उपवास करना है तो सप्तमी के शाम का लेना है और अष्टमी का एक वो कर लेते हैं इस तरह से, तो इस तरह से वहां पर कहते हाँ तो क्या हो गया षष्ठम भक्त हो गया, क्या हो गया नहीं चतुर्थ भक्त हो गया। सर पहले दिन 12 बजे तक ले लेंगे, उसके बाद में अगले दिन दोनों समय का होगा तो उपवास, और फिर तीसरे दिन जो है वो एक समय लेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं चतुर्थ भक्त? क्या बोलते हैं चतुर्थ उपवास ही बोलते हैं। ये कहां पर आता है मालूम है? अपने तीर्थंकरों ने, अधिकतर तीर्थंकरों ने, आदिनाथ भगवान को छोड़ दीजिए लेकिन बाकी तीर्थंकरों ने षष्ठम भक्त का मतलब 2 दिन के उपवास से साथ में ही जो उन्होंने वो योग मतलब तपस्या धारण की थी ना, तो 2 दिन का षष्ठम भक्त, 2 दिन का कितना होगा षष्ठम भक्त हो गया बराबर। हर जगह वहां पर आता है पुराण में 2-2 समय का ये हो गया और 1-1 समय का आगे पीछे 2 दिन का। वैसे महावीर भगवान के भी उपवास बहुत ज्यादा हो गए थे लेकिन पहली बार जब लिया था उन्होंने दीक्षा ना तब षष्ठम भक्त था, लेकिन बाद में कब ज्यादा हुए थे उषा दोषी? आपने कल 34 बता दे इसलिए वो जब चंदना का वो 125 दिन का उपवास था उनका, चंदन बाला का जो हार हुआ था जंजीरों में जकड़ी हुई थी और जब उन्होंने जो हार दिया था वो उस समय भगवान महावीर का 125 उपवास चल रहा था, ऐसा कुछ बहुत बहुत ज्यादा उपवास चल रहे थे। आपने पढ़ा है? हाँ जी हाँ, ये 24 कीर्तन का पुराण में लिखा हुआ है जो देवलाली से छपा है 24 कीर्तन का पुराण में, देखना मतलब मेरे को याद है। अपनी तो बात यहाँ पर इसलिए निकल गई, बात कहाँ से निकली थी? अकृत्रिम चैतन्यों की वंदना से निकली थी। वो कहाँ से निकली थी कि अपन रोज जय समय को कर सकते हैं और यहाँ पर भी 4-6 घड़ी हो गया, कोई बात नहीं 10 ओवर टाइम हो गया, बंद कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी अपन जो स्वाध्याय कर रहे हैं उसके पहले आप 4 दिशाओं में भक्ति अवश्य कर लेना, उससे काल शुद्धि का विधान बराबर बताया गया है, उससे काल शुद्धि है। अपने वस्त्र शुद्धि आप कर ही सकते हैं तो द्रव्य शुद्धि हो गई, काल शुद्धि हो गई है और बाकी भाव शुद्धि, और बाकी जो है हम भगवान के आगे हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं कि हमारे से जो है कोई मतलब विधि को पालन करने में कोई भूल चूक हो रही हो, अज्ञान के कारण कुछ कमी हो रही है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन हम इस समय हमें पता है कि शाम के समय में स्वाध्याय जो है नहीं की जाती है, क्योंकि शाम का समय जो है हमारा प्रथा रही है, मुनिराज तो शाम को बोलते ही नहीं है,
लेकिन हम लोग गृहस्थ कैसे हैं कि अगर यहाँ पर भी स्वाध्याय नहीं करेंगे तो घर के अंदर हमारे यहाँ दूरदर्शन आदि कई साधन उपलब्ध है, व्हाट्सएप वगैरह उपलब्ध है, तो हमारा जो है उसमें चला जाएगा। और आप कहेंगे नहीं नहीं हम अपना स्वयं का करते हैं, लेकिन इतनी एकाग्रता नहीं हो पाएगी जितनी कि आप अपन यहाँ पर बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हमने सोचा कि अपना अच्छा उपयोग जा रहा है और हम इसी तरह से स्वाध्याय करें। आज हम यहाँ पर विराम लेते हैं, समय कुछ अधिक लिया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब हम यहाँ पर क्षमा मत मांगो, नहीं वो बात निकल गई। मतलब अब क्या धवला पुस्तक तीन में गणित रही नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि इसके अब धवला पुस्तक की एक एक लाइन के अर्थ का मर्म समझे, व्यवहार काल कैसे निकाला, प्रश्न कैसे हुई है, शंका कैसे हुई है, ताकि हमें आचार्य वीरसेन की शैली समझ में आ जाए। क्या वो गणित की गंगा से तो अपन पार निकल गए, मतलब आप लोग कोई भी डूबे नहीं, आप लोग सब तैर के निकले, ये ध्यान रखना है ना, वो कोई भी बात नहीं है। हमारे उषा जी तो बहुत खुश है, नहीं अपन अपन डूबे नहीं, मतलब समझ में कम आया ज्यादा आया, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं आया, नहीं आया। और शुरू में हमें चाहे नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में खंडित भाजित विरलित अपराध और ये आ गया। अब ठीक है आचार बड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, लेकिन हमें एक संख्या पर निकाल कर तो हमें अब समझ में आने लग गया है। और अभी भी आप चिंता मत कीजिए, अभी भी एक दो बार और अभी आएंगे, कई बार आएंगे, तो जो नहीं समझ आया वो भी अब समझ में आ जाएगा। आप समझाने वाले हैं, मैं तो नहीं है। छत्तीस सूत्र इतना अच्छा समझाते हैं, छत्तीस सूत्र तक हो गया। नहीं अपन 36 सूत्र पर तो आ गए, लेकिन पेज की अपेक्षा देखे तो अपने आधे से भी अधिक पुस्तक हो गई है, 238 पेज हो गए। हाँ मतलब अपने पेज जो है ना आधी पुस्तक अपनी हो गई है, मतलब धवला पुस्तक की। बहुत बहुत आप लोगों का मतलब जो बहुत अच्छा है, आपका धीरज है इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं। आप बताते हैं गणित से घबरा के कोई साथी छूटा नहीं है, हम सबसे पकड़े रखा है, एक दूसरे को थामे रखा है, हमारी विभाजी नहीं आती, एक विभाजी नहीं। आप सब लोगों के बड़ी मेरे धैर्य है, मतलब ये देखो कि बराबर जो अपने नियमित है 20 लोग जो अपने नियमित है, बाकी तो ठीक है, बराबर आप लोग आए। और इस पुस्तक का स्वाध्याय अन्यत्र होता नहीं है, और यही समझ करके कठिन है, इसको छोड़ दिया जाता है या कहीं पर वाचना कर ली जाती है और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने मतलब जो है वास्तव में हमने गणित की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया। पंडित साहब एक बात लिख रहा था कि द्वाला जी का स्वाध्याय करने वाले विद्वान तो होंगे, परंतु द्वाला जी को पढ़ाने वाले विद्वान बहुत मैंने नहीं दिखे कभी। आपने हमारे को पहली बार आपने विद्वान तो आप लोग हैं, विद्वान तो आप लोग हैं। देखो अब तो मैं बताता हूँ, मुझे समझना आप लोग समझा रहे हैं, मैं तो पूछता हूँ उषा दोषी समझाइए, अशोका जी समझाइए, आप बताइए, अब तो आप लोग समझा रहे हैं। आज तो मैंने सिर्फ आप लोगों से पढ़ाई, आप लोगों को तो समझाया है, मैंने तो जो कुछ मेरे को समझ आया बाद में आपको एक्सप्लेन कर दिया बस, है ना। स्वाध्याय तो आप ही लोग करा रहे हैं, हम तो पढ़ने के लिए पिपास उठे, आप विद्वान के लिए पढ़ाने आगे हैं। नहीं अपन अब बहुत अच्छी तरह से स्वाध्याय हो गई अपनी, क्योंकि अब जो है ना भागा भाग और अल्प बहुत है, और आज मैंने आपको अव्यवहार काल का ही अल्प, हर जगह जो अल्प बहुत आएगा ना वो अव्यवहार काल का ही अल्प बहुत है, और ये अल्प बहुत के दो चार चीजें आप याद रख रहे ना, 432 और तिरंज गति को लेना था 432 और 5, और आशा बहन जब अगर संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे, उल्टा करना पड़ेगा। अभी 432 और 5 लाए, फिर क्या करेंगे, 5 2 3 4 अवार काल में कैसे चलेंगे, 4 3 2 5, और संख्या में कैसे चलेंगे, 5 2 3 4। तो जहां पर 5 की जो अवार काल आएगा उसके इमीडिएटली वाला अल्प तो कौन सा आएगा, 5 की संख्या आ जाएगी, क्योंकि उल्टा चल रहा है ना, 5 के बाद में फिर वापस 5 आएगा, तो 5 संख्या वाला आ जाएगा। तो अवार काल जैसे पूरा होगा 5 का, 5 की संख्या आ जाएगी, उसके बाद में किसकी आ जाएगी, 2 की संख्या आ जाएगी, फिर तीसरे गुणस्थान की संख्या आ जाएगी, फिर चौथे गुणस्थान की संख्या आ जाएगी, उसके बाद किसकी संख्या आएगी, मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि की आएगी। बहुत बढ़िया, इस तरह बहुत बहुत बढ़िया। और मिथ्या दृष्टि की संख्या के जाएंगे तो बीच बीच में सिद्ध राशि भी आ जाएगी, संख्या की बात करेंगे ना, क्योंकि वो अनंत वाली जो है मिथ्या दृष्टि कौन सी आएगी, पृथ्वी का जल का अग्नि का वायु का की तो आएगी, लेकिन निगोद को छोड़ देंगे, और उसके बाद में अनंत जीव लेंगे और फिर
निगोद वाले जीवों की संख्या लेंगे। मतलब मिथ्या दृष्टि जीवों के भेद कैसे बन जाएंगे, क्योंकि ये जो ना अग्निकाय जी, पृथ्वीकाय, वायुकाय, ये असंख्यात लोग प्रमाण है, बहुत बड़ा असंख्यात है। अभी अपन देवों वगैरह में असंख्यात कौन सा चल रहे हैं, जगत प्रतर वाला चल रहे हैं, कौन चल रहे अपन, जगत प्रतर। अपन ने अभी तक कहां से भाग दिया, जगत प्रतर का असंख्यात भाग, जगत प्रतर का कर, जगत प्रतर तक चल रहे हैं। उसके पहले जगत श्रेणी थे, उसके पहले कहते थे पल्ले का असंख्यात भाग, लेकिन जब अपन पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय के आएंगे तो उषा जी कितने हो जाएंगे, असंख्यात लोक प्रमाण राशियां हो जाएगी। अग्निकाय जीव भी बहुत बड़ी राशि है, अग्निकाय जीव की आपने कभी सुना होगा, अग्निकाय जीव की राशि के अपन कंपेयर नहीं कर सकते, सबसे कम है सबसे ज्यादा वायुकाय की जीव है। आप क्या समझे भरी हुई कमरे में अग्नि, तो जहाँ पर गैस का चूल्हा रहते वही रहते, बेडरूम में थोड़ी नहीं है आपके यहाँ पर। सूक्ष्म जीव तो अग्निकाय के बारे में, सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म की बात मैं तो समझाने के लिए, याद करने के लिए बता रहा हूँ, पता है कि सूक्ष्म की बात ज्यादा है, अग्निकाय का काल ज्यादा है, लेकिन फिर भी सबसे कम अग्निकाय की है, तो बहुत बड़ी राशि, लेकिन पांचों स्तवर में इनकी कम है। किसकी, अग्निकाय की, सबसे ज्यादा वायुकाय की आएगी, सबसे ज्यादा वायुकाय की आएगी, अग्नि के बाद में किसकी आएगी, पृथ्वी की आएगी, पृथ्वी ज्यादा किसके, जल के साइंस से पढ़ते ना, जितनी जमीन है उससे तीन दो ज्यादा जमीन तो जल, जल में ही, समुद्र में ज्यादा जमीन है, देखते ना वर्ल्ड में भी देखो तो पानी ज्यादा है, लैंड कम है, तो पृथ्वी का है, अग्निकाय, पृथ्वी का है, जल का है, अग्निकाय, और फिर लास्ट में वनस्पति का है। वनस्पति का में निगोद आ गए, मतलब अपन पढ़ेंगे ये, मतलब याद करने का भी एक तरीका है कि अपने को भाव भाषण हो जाए ताकि अपन पढ़े। जैसे अपन ने आज देखा ना अवार काल का, कि दूसरे गुणस्थान से जब तीसरे से आते दूसरे में तो असंख्यात गुणा, अगर एक बात आपने ले लिया तो आपको बहुत सुविधा होगी। चलिए सबसे पहले पृथ्वी का की जीव सबसे अधिक है, अपन करेंगे सब आने वाला सब करेंगे, मैंने तो थोड़ा सा आइडिया दिया है, अभी अपन आगे करेंगे है ना। यहाँ पर अवार काल और विषकम्भ सूची, अवार काल तो आप लोग हो गए और विषकम्भ सूची का अपन ने नरक में किया ही था, और आपको पता ही है जे मतलब कि जगत श्रेणी को विषकम्भ सूची से भाग देने पर अवार काल आता है, ये पता है आपने को, तो विषकम्भ सूची भी आएगी। कस्तूर जी चलिए जिनवाड़ी इसमें कराइए, बोलिए ना, मॉनिटर मॉनिटर वन, मॉनिटर टू, उषा दोषी, मॉनिटर थ्री। हाँ कस्तूरी जी करिए, आदमी आ रहा है दूसरा। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत पार है, वंदना शत पार है, जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत होटो, सदा देत होटो। ओंकार मंत्र मधु जी बोलिए, ग्वालियर से बहुत अच्छा बोला था परसों, धीरे धीरे मधु जी ग्वालियर। नमो सिद्धाणम नमो मायरी जाणम नमो उवझायाणम नमो लुए सर्वभूतम् नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् मायरीयाणम् नमो उवझायाणम् नमो लुए सर्वभूतम् नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो मायरीयाणम् नमो उवझायाणम् नमो लुए सर्वसाहूणम् नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो मायरीयाणम् नमो उवझायाणम् नमो लुए सर्वसाहूणम् नमो अरिहंताणम्
नमो सिद्धाणम नमो यरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो सर्वसाहूलम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो यरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो सर्वसाहूलम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो यरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो सर्वसाहूलम जय पंचकर्णेष्ठी भगवान की जय जय सभी को जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जो आज अपन ने नमोकार मंत्र बोला ना इसी तरह से धीरे धीरे बोलने का है वो हमारे वो आते ना एरोली से कौन थे कमलेश जी वो भी बहुत अच्छा मतलब बोलते थे मतलब अपने को मेरी मतलब यही भावना है कि नमोकार मंत्र जो अपन बोलते पाठ आप लोग सब जितना धीरे धीरे बोले जिसने आज बोला है उस तरह से बोलेंगे मुग्धा जी ठीक है ना मतलब नमोकार मंत्र में बिल्कुल जल्दी नहीं करना बिल्कुल जल्दी नहीं करना आपने एक माला अपन जब अपनी जब जाते हैं बहुत अच्छा है ठीक है ना मतलब मधु जी ने इसका लीड लिया ये तीसरी बार है दो दिन पहले भी बोल चुके इस तरह से और मैंने बहुत ध्यान दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग सब भी इसी तरह से बोलने का प्रयास करें एक एक करके आप बताते जाइए लेकिन बोलना इतना धीरे से है? जो जिनवाणी स्तुति करेंगे वही धीरे से नमोकार मंत्र भी बोलेंगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलना चाहिए बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे बोलना चाहिए कल प्रवीणा जी बोलेंगे जिनवाणी स्तुति कल प्रवीणा जी जिनवाणी स्तुति विद नमोकार मंत्र के साथ जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र चलिए जय जिनेंद्र।